वेस्टीज का मतलब होता है सफलता के पद चिन्ह। अगर वेस्टीज का हम लोग डिक्शनरी मीनिंग देखें तो डिक्शनरी मीनिंग होता है रेत में पड़े हुए पैरों के निशान। तो वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसमें यानी कि सफलता के एक प्री डिफाइंड पाथ बना हुआ है, यानी कि सिस्टम बना हुआ है, हम लोग को उसी को फॉलो करते हुए उसी में आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को सफल करना है। इसके साथ एक टैगलाइन है हमारी, विश यू वेल्थ। इसमें जो वेल्थ की स्पेलिंग है, जो हमारे नए दोस्त होंगे उनको थोड़ी सी अजीब से लग रही होगी कि वेल्थ हम लोग कहाँ से लेकर के आए हैं। तो दोस्तों वेल्थ हम लोगों ने बनाया है दो शब्दों को मिलाकर के, एक है वेलनेस और एक है वेल्थ। वेलनेस का मतलब अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सेहत, और वेल्थ का मतलब पैसा। वेस्टीज के अंदर हम लोग यही काम करते हैं, अपनी और बाकी लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, यानी कि सेहत का ध्यान रखते हुए दोस्तों हम लोग यहाँ पे पैसा कमाने का काम करते हैं। तो दोस्तों आज की तारीख में वेस्टीज जिस मुकाम पे खड़ा है, जिस पोजीशन में खड़ा है, वो ऑब्वियसली वेस्टीज परिवार के सदस्य, यानी कि हम वेस्टीजियंस की मेहनत है, हम लोग की काबिलियत है, जिसकी वजह से हम लोग आज की तारीख में इस मुकाम पे खड़े हैं। लेकिन इसके साथ एक व्यक्ति और भी है और एक सोच और भी है जिस वजह से हम लोग आज की तारीख में इस मुकाम पे खड़े हैं, और ये व्यक्ति कोई और नहीं, हमारे एमडी मिस्टर गौतम बाली जी और हमारे फाउंडर मिस्टर गौतम बाली जी, जिन्होंने सिर्फ एक सोच के साथ कि सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिस व्यक्ति को अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा होता है, सिर्फ इस सोच के साथ इन्होंने आज से 16 साल पहले, 16 साल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2 जून 2004 को हम लोगों की शुरुआत हुई थी, यानी कि वेस्टीज ने काम करना स्टार्ट किया था, हम लोगों के ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे, और आज अगर हम लोग बात करें तो आज तारीख है 21 मई, यानी कि 15 साल 11 महीने और 17 दिन हम लोगों को हो चुके हैं। तो लगभग 16 साल पहले आज से इस कंपनी की शुरुआत की थी इन्होंने सिर्फ एक सोच के साथ कि सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिस व्यक्ति को अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा होता है। और दोस्तों हम लोगों को अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा है, हम लोगों को अपने सपनों के ऊपर यकीन है, और यही वजह है कि आज की तारीख में हम लोग इस व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के और कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग बात करें अनुभव की, तो मिस्टर गौतम बाली जी के पास लगभग 35 साल का अनुभव है, इसमें उनके पास लगभग आपका 25 से 30 साल का अनुभव है सिर्फ डायर सेलिंग की इंडस्ट्री का, यानी कि एक पायनियर है इस इंडस्ट्री के अंदर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम लोग इनके साथ आगे बढ़ रहे हैं एक सोच के साथ, क्योंकि हम लोग की सोच समान है, और जब एक समान सोच होती है तो उसके बाद काम करने में मजा आता है, और ऑब्वियसली उसके बाद जो जर्नी है वो भी आसानी से हम लोग तय कर पाते हैं। अब क्योंकि जर्नी बहुत बड़ी है, इनके रास्ते बहुत लंबे हैं, मंजिलें बहुत बड़ी हैं, तो उनको पूरा करने की जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी हैं। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टीम बनाई और अपनी जैसी सोच रखने वाले दो लोगों को जोड़ा, मिस्टर दीपक सूद जो कि हमारे डायरेक्टर हैं सेल्स एंड ऑपरेशंस के, एंड मिस्टर कवरबीर सिंह जी जो हमारे डायरेक्टर हैं आईटी के। इन तीनों की एक टीम बनी और इस टीम ने इकट्ठे काम करना शुरू किया हम लोग के सपनों को हकीकत में बदलने का, यानी कि मुहिम शुरू की हम लोगों के सपनों को हकीकत में बदलने की। अगर हम लोग अनुभव की बात करें तो मिस्टर दीपक सूद इनके पास भी लगभग 25 साल का अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, और मिस्टर कवरबीर सर के पास भी लगभग 25 से 30 साल का अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, यानी कि ये तीनों के तीनों व्यक्ति पायनियर हैं डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री के अंदर। अब जब शुरुआत हुई तो देखते हैं शुरुआत कब हुई थी, यानी कि जो ये मुहिम शुरू हुई हम लोग के सपनों को हकीकत में बदलने की, देखते हैं शुरुआत कब हुई है। तो दोस्तों साल 2004 में हम लोगों ने काम करना शुरू किया। जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया, उस समय हमारे दो ऑफिस हुआ करते थे, एक दिल्ली में और एक बैंगलोर में। अगर हम लोग बात करें हमारे प्रोडक्ट्स की, यानी कि उत्पादों की, तो उस समय हमारे पास 10 उत्पाद हुआ करते थे। अगर हम लोग बात करें हमारे टीम साइज की, तो उस समय वेस्टीज 6 लोगों का परिवार था। लेकिन आज 16 साल का सफर तय करने के बाद आज आप लोगों के पास 2500 से ज्यादा ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑफिसेस पूरे भारत देश में खुल चुके हैं, और ये लगातार खुलते ही जा रहे हैं। आज आप लोग के पास 300 से ज्यादा उत्पाद आप लोग के पोर्टफोलियो में मौजूद है, और 6 लोगों का परिवार आज लगभग 2 करोड़ लोगों का परिवार बन चुका है, और ये परिवार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम लोग बात करें हमारे ऑफिसेस की, तो भारत देश में जितने भी आपके राज्य हैं, हर राज्य में हमारा अपना खुद का एक ब्रांच ऑफिस है। इसके साथ आप लोगों की सर्विस के लिए मिनी डीएलसीपी और डीएलसीपी के ऑफिस, जो हम लोग को ऑफिस के ब्रांच ऑफिस के प्रकार की सुविधाएं देती है, वो भी हम लोग लगातार ओपन कर रहे हैं। इसके साथ अगर हम लोग बात करें हमारे ओवरसीज की, यानी कि विदेशों की, तो वेस्टीज भारत की पहली ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनी है जो कि भारत से बाहर निकल करके अब विदेशों में भी अपने ऑफिस खोल रही है, यानी कि विदेशों में भी हम लोग को हमारा बिजनेस बढ़ाने का मौका दे रही है। तो आज की तारीख में आप लोग बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, सऊदी और यूएई जैसे देशों में अपने ऑफिस खोल चुके हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की, अपने टीम को आगे बढ़ाने की। इसके साथ अगर हम लोग बात करें हमारी सोच की, तो दोस्तों हम लोगों ने सिर्फ एक सोच के साथ शुरुआत करी, और सोच हमारी ये है कि हम लोग हर एक उस व्यक्ति की मदद करेंगे जो अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहता है, यानी कि वो व्यक्ति अपने खर्चों में नहीं फंसना चाहता, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहता है। और उसके साथ हमारा लक्ष्य भी है, हमारा लक्ष्य ये है कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री के अंदर
वो बेंचमार्क्स बनाएं, वो चाइयां छुएं, यानी कि वो सारी की सारी उपलब्धियां हासिल करें जो कि आज तक कोई भी दूसरी डेट सेलिंग कंपनी नहीं कर पाई है। और दोस्तों आप लोगों की मेहनत की वजह से और वेस्टिज मैनेजमेंट की एक दूरदर्शी सोच की वजह से हम लोग लगातार नए नए बेंचमार्क स्थापित कर रहे हैं, नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें हमारे 15 साल के बेहतरीन सफर की, तो साल 2004-05 से हम लोगों ने जब शुरुआत की थी तो उसके बाद 18-19 तक का अगर हम लोग अपना ग्रोथ रेट देखें तो 79% यानी कि 79% क्यूमुलेटिव ग्रोथ के साथ हम लोगों ने तरक्की करी है। और 18-19 में हम लोगों ने एक नया बेंचमार्क, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है इंडिया के अंदर, और 1850 करोड़ के टर्नओवर के साथ भारत के अंदर नंबर वन की पोजीशन हासिल करी है। अब एक सवाल और आता है, ये सारी की सारी उपलब्धियां, ये सारी की सारी अचीवमेंट्स हम लोग इतनी आसानी से कैसे कर पाते हैं? तो ये सारी की सारी अचीवमेंट्स, ये सारी सारी उपलब्धियां हम लोग इतनी आसानी से इसलिए हासिल कर पाते हैं क्योंकि वेस्टिज के अपने ढेर सारे फायदे हैं। अगर हम लोग फायदों की बात करें तो वेस्टिज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कि हम लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इस बिजनेस में आर्थिक जोखिम लगभग लगभग ना के बराबर होता है। जो हमारा मार्केटिंग प्लान है एक वेल क्राफ्टेड मार्केटिंग प्लान है, यानी कि अनुभवी लोगों के द्वारा बनाया गया एक ऐसा मार्केटिंग प्लान है जो कि हम लोग की छोटी बड़ी सारी की सारी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। हम जो उत्पाद यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 300 से ज्यादा उत्पाद जो आपके पोर्टफोलियो में मौजूद है, उसका हर एक प्रोडक्ट विश्व स्तरीय गुणवत्ता का है, यानी कि वो आपके वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड क्लास जो आपकी विश्व स्तरीय जो आपके मापदंड है उनको आपको मीट करता है। इसके साथ इनकम में स्टेबिलिटी मिलती है, हाई रिटर्न्स मिलते हैं, रिलायबल एंड प्रॉफिटेबल एक प्लेटफॉर्म है, और साथ ही साथ हम लोग को यहाँ पे ग्रेट इंसेंटिव्स मिलते हैं। और उसके साथ सबसे खास बात दोस्तों कि जब भी हम लोग कुछ बनना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए हम लोग को उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। जैसे कि अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा, किसी को लॉयर बनना है यानी कि वकील बनना है तो उसके लिए वो लॉ की पढ़ाई करेगा, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरेट की पढ़ाई करेगा। वैसे ही जब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए हम लोग को तरह तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करने पड़ते हैं। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपके लिए वेस्टिज लेकर के आता है, यानी कि वेस्टिज लगातार आप लोगों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेकर के आता रहता है जो कि हम लोगों की स्किल्स को डेवलप करने में हमारी मदद करते हैं। और यकीन मानिए जब स्किल्स डेवलप होंगी तो उसके बाद हम लोग आसानी से अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, अपनी टीम को सफल कर सकते हैं, यानी कि अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और जब भी हम लोग सफलता हासिल करते हैं तो उसके बाद हम लोग को रिकग्निशन मिलनी स्टार्ट होती है। आपने भी बचपन में देखा होगा जब हम लोगों ने 10वीं पास किया, मतलब हम लोग सफल हुए तो हम लोग को सर्टिफिकेट मिला, 12वीं पास किया सर्टिफिकेट मिला, ग्रेजुएशन पास किया हम लोग को डिग्री मिली। वैसे ही जब आप लोग वेस्टिज के अंदर लगातार सफल होते गए, जब वेस्टिज आगे बढ़ता गया तो बड़ी बड़ी संस्थाओं ने वेस्टिज को अवार्ड्स देने स्टार्ट किए। आज की तारीख में आप लोग HFDSA के सामान्य सदस्य हो, आपकी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, इकाइयां हैं, वो सारी की सारी GMP सर्टिफाइड है, आप लोग के पास सर्टिफिकेट ऑफ एक्सलेंस इन प्रोडक्टिविटी क्वालिटी इनोवेशन एंड मैनेजमेंट का पुरस्कार है, आप लोग मोस्ट एडमायर ब्रांड्स एंड लीडर्स ऑफ एशिया के अंदर, आपकी जो वेस्टिज है वो ISO 9001:2015 सर्टिफाइड कंपनी है, इसके साथ आपकी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, इकाइयां हैं, वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस सर्टिफाइड हैं, और इसके साथ उसके अंदर जितने भी आपके उत्पाद यानी कि आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं यानी कि मैन्युफैक्चर्ड होते हैं वो सारे के सारे हलाल सर्टिफाइड हैं। दोस्तों इसके बाद अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री की, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री के अंदर दुनिया भर में हजारों लाखों कंपनीज काम कर रही है, और इन लाखों करोड़ों कंपनीज के बीच में आपकी वेस्टिज भारत की पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसने की ग्लोबल 100 यानी कि दुनिया की 100 सबसे बड़ी कंपनियों में अपना नाम लिखवाया है। अगर हम लोग बात करें साल 2017-18 की, तो साल 2017-18 में हम लोग थे 92वें स्थान पे, उसके बाद 18-19 में हम लोग ने एक लंबी छलांग लगाई और 63वें पायदान पे अपना नाम लिखवाया। और अगर हम लोग बात करें साल 2019-20 की, तो हम लोगों ने एक नया बेंचमार्क यानी कि नया कीर्तिमान स्थापित किया है, और इस साल वेस्टिज ने एक बहुत लंबी छलांग लगाई है और दुनिया की टॉप 30 यानी कि टॉप 30 कंपनीज में अपना नाम लिखवा लिया है। बिल्कुल सही, वेस्टिज यानी कि आप लोग अब दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी डेट सेलिंग कंपनी बन चुके हैं। और यकीन मानिए आप लोगों की मेहनत को देख करके, वेस्टिज मैनेजमेंट की सोच को देख करके लगता है कि वो दिन दूर नहीं जबकि हम लोग अपना जो खुद का हम लोगों ने लक्ष्य बना रखा है वो प्राप्त कर लेंगे और 2023 तक हम लोग दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में अपना नाम लिखवा देंगे। इसके साथ आप लोग के पास बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड है साल 2017-18 का। ये अवार्ड हम लोग को ABP न्यूज हेल्थ के लीडरशिप अवार्ड में मिला हुआ है। साथ ही साथ आप लोगों के पास IBC कॉर्पोरेट अवार्ड है, इंडियाज बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर यानी कि भारत की सबसे बेहतरीन कंपनी का अवार्ड आप लोग के पास है, ये अवार्ड हम लोग को साल 2017 में मिला है। आप लोग के पास ग्रेट प्लेस टू वर्क का अवार्ड है यानी कि एक ऐसा एनवायरमेंट जहां पे कि काम करने में आपको सब कुछ सुचारू ढंग से चलता रहता है यानी कि ग्रेट प्लेस टू वर्क का अवार्ड आप लोग के पास है, ये अवार्ड आप लोग को 2019-20 में मिला हुआ है। नेशनल बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड 2018 का अवार्ड आप लोग के पास है, ये अवार्ड आप लोग को वर्ल्ड HRD कांग्रेस के द्वारा दिया गया है। इसके साथ ग्लोबल HR एक्सलेंस अवार्ड ये आपको मिला हुआ है साल 2019 बेस्ट वर्क प्लेस प्रैक्टिसेस के लिए, और साथ ही साथ नॉर्थ इंडिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड 2018 का अवार्ड भी हम लोग के पास है।
दोस्तों ये आईएसओ सर्टिफिकेट्स हैं जो कि हम लोग की डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मिले हुए हैं। अगर हम लोग आईएसओ सर्टिफिकेशन की बात करें तो आईएसओ 14001 2015 का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है हम लोग को एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। आईएसओ 45001 2018 का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। आईएसओ 50001 2018 का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए और आईएसओ 27001 2013 का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। इसके साथ जो आपका अपना खुद का सोनीपत का वेयर हाउस है उसको आईएसओ 22001 2018 का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। अब बारी आती है हमारे इन डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स की। ये वो पड़ाव है दोस्तों जो कि हम लोग की ग्रोथ यानी कि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम लोग इन पड़ावों को पार करते जाते हैं, यानी कि वो लेवल्स हैं जो कि हम लोग की ग्रोथ को दर्शाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनते हैं ब्रोंज डायरेक्टर्स का। जब हम हमारी टीम जब तरक्की करती है तो हम लोग बनते हैं सिल्वर, उसके बाद गोल्ड, फिर स्टार, फिर डायमंड, फिर क्राउन, फिर यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स, फिर डबल क्राउन डायरेक्टर्स और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स। बारी आती है हमारे 16 बेहतरीन लोगों की। ये 16 बेहतरीन लोग जिनको कि हम लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी कहते हैं, ये वो लोग हैं जो न केवल खुद सफल हुए बल्कि अपनी ट्रेनिंग्स और अपने स्पीचेस के माध्यम से लगातार हम लोग को भी मोटिवेट करते रहते हैं सफलता हासिल करने के लिए, लगातार हम लोग को भी सपोर्ट करते रहते हैं ताकि हम लोग अपने सपनों को पूरा कर सके। लेकिन इन 16 लोगों के अलावा भी काफी लोग हैं जो कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर आए थे, शायद आप उनसे मिले होंगे कभी या फिर हो सकता है कि आप उनसे रोज ही मिलते होंगे। अब एक सवाल उठता है कि हाँ ये वेस्टिज की जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं ये लगातार हम लोग को सपोर्ट करते हैं, लगातार हम लोग को गाइड करते हैं, और अगर हम लोग बात करें हमारी खुद की तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी सारे के सारे सब काम करते हैं, हम लोग भी लगातार अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, लगातार उनको एजुकेट करते हैं ताकि वो सफलता हासिल कर सके, ताकि वो आगे बढ़ सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। यानी कि हम वो सारे के सारे काम करते हैं जो कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर करते हैं। इसका मतलब हमारे ब्रांड एम्बेसडर कौन हुए? बिल्कुल सही दोस्तों, हमारे ब्रांड एम्बेसडर आप सभी हुए, यानी कि वेस्टिज परिवार का हर एक सदस्य, यानी कि जो 2 करोड़ लोग का जो परिवार है उस परिवार के हर एक सदस्य हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, क्योंकि आप ही लोग तो होते हो जो लगातार अपनी टीम को और बाकी लोगों को मोटिवेट करते रहते हो, प्रेरित करते रहते हो सफलता हासिल करने के लिए ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। इसके साथ आप लोग के लिए हम लोग ट्रेनिंग सपोर्ट लेकर के आते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है, और आप लोग सफल तब होंगे जब आप अपनी स्किल्स को मार्केट के कॉम्पिटिशन के हिसाब से अपडेट कर पाओगे। इसलिए वेस्टिज भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो आप लोग के लिए साल भर में 24,000 से ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेकर के आती है। जैसे कि आज का आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है CNT यानी कि सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। इसके साथ हम लोग एक बात और कहते हैं दोस्तों कि वेस्टिज के अंदर सफलता हासिल करने के लिए हम लोग को सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, और यही वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे कि हम लोग को सिस्टम की जानकारी दी जाती है। आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका नाम है VIP, VIP में आपको बताया जाता है कि वेस्टिज का सिस्टम क्या है, किस प्रकार से सिस्टम को फॉलो करना है, वो कौन से स्टेप्स हैं जो हम लोग को लेने हैं, वो कौन सी गलतियां हैं जो हम लोग को नहीं करनी, और किस प्रकार से अपनी टीम को साथ में लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब सफलता को हासिल करेंगे। आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका नाम है हेल्थ वर्कशॉप। हेल्थ वर्कशॉप में हम लोगों को वेस्टिज के सप्लीमेंट्स के बारे में सारी जानकारी दी जाती है, बताया जाता है कि किस सप्लीमेंट को किस प्रकार से रिकमेंड करके या इस्तेमाल करके हम लोग बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं और अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ आप लोग के लिए हम लोग बिजनेस टूल्स लेकर के आते हैं। ये टूल्स भी हम लोग के बिजनेस को नई ऊंचाइयों में पहुंचाने में हम लोग की मदद करते हैं। अब सवाल उठता है कि टूल्स हम लोग को किस प्रकार से मदद करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा जब हम लोग बचपन में पढ़ाई किया करते थे तो हम लोग के पास उस टाइम पे कॉपी हुआ करती थी, पेंसिल हुआ करते थे, शार्पनर, इरेजर हुआ करते थे। पेंसिल की नोक टूटी तो हम लोगों ने क्या किया, शार्पनर से पेंसिल को छीला यानी कि शार्पन किया और उसको दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी कि वो सारे के सारे हमारे टूल्स थे जो कि हम लोगों को पढ़ने में हम लोग की मदद करते थे। वैसे ही हम लोग किसी प्रोस्पेक्ट के साथ बैठे हैं, यानी कि किसी को वेस्टिज की अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे हैं, अवसर के बारे में बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि वेस्टिज परिवार में कई महिलाएं ऐसी हैं जो कि आज की तारीख में घर की चार दीवारी से बाहर निकल करके बिजनेस आइकन्स बन चुकी हैं, तो उनकी सफलता को प्रमाणित करने के लिए हम लोग क्या शो करेंगे? बिल्कुल सही, हम लोग शो करेंगे लीडिंग लेडीज बुक। हम लोग कहते हैं कि वेस्टिज परिवार में 7,000 से ज्यादा परिवार के सदस्य ऐसे हैं जो कि आज की डेट में अपनी खुद की सपनों की कार वेस्टिज के माध्यम से ले चुके हैं, तो उनकी सफलता को प्रमाणित करने के लिए हम लोग शो करते हैं कार बुक्स। हमारे आपके जो लग्जरी कार अचीवर्स हैं उनकी सफलता को प्रमाणित करने के लिए हम लोग शो करते हैं वेल्थ ऑन व्हील बुक्स। यानी कि यही वो सारे के सारे टूल्स हैं जो कि हमारी बात को प्रमाणित करने में हम लोग की मदद करते हैं और हम लोगों के बिजनेस को नई ऊंचाइयों में पहुंचाने में हमारी हेल्प करते हैं। और जब दोस्तों बिजनेस नई ऊंचाइयों में पहुंचेगा तो ऑब्वियसली उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग नई नई अचीवमेंट्स को हासिल करेंगे, और जब भी अचीवमेंट्स हम लोग हासिल करते हैं तो उन अचीवमेंट्स का सेलिब्रेशन भी होना चाहिए। इसके लिए वेस्टिज आप लोगों के लिए रिकॉग्निशन प्रोग्राम लेकर के आता है, जैसे कि आपका आता है वेस्टिज अवार्ड फंक्शन, जहां पे कि आपकी सफलता को हजारों वेस्टिज परिवार के सदस्यों के बीच में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसके साथ हर महीने की 2 तारीख को आप लोग के लिए चैंपियंस डे लेकर के आते हैं। चैंपियंस डे में हम लोग सम्मानित करते हैं परिवार के हर एक सदस्य को जिसने लास्ट मंथ में अचीवमेंट्स करी होती है। अब इसके बाद अगला पार्ट आता है हमारे प्रोडक्ट प्रोफाइल का,
और प्रोडक्ट प्रोफाइल में हम लोग समझेंगे कि जो हमारे विश्व स्तरीय उत्पाद हैं वो किस प्रकार से हम लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल यानी कि सेहतमंद जिंदगी जीने में हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी फैक्ट्रीज कहाँ पे, हमारे उत्पाद कहाँ मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। तो जब हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कि हमारी खुद की 1.25 लाख स्क्वायर फीट की फैक्ट्री है हिमाचल प्रदेश के बद्दी में, जहाँ पे कि हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स बनाया करते हैं यानी कि मैन्युफैक्चर्ड करते हैं। हमारा खुद का R&D डिपार्टमेंट है, हमारा खुद का क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, जहाँ पे कि हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता को लगातार अपडेट करने का काम करते रहते हैं और साथ साथ उस गुणवत्ता को निरंतर आगे बनाए रखने का काम करते रहते हैं। इसके साथ आपकी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, इकाइयां हैं, वो सारी की सारी GMP सर्टिफाइड हैं, ISO 9001:2015 सर्टिफाइड है, और उसके अंदर आपके जितने भी उत्पाद यानी कि आपके प्रोडक्ट्स आपके मैन्युफैक्चर्ड होते हैं वो सारे के सारे हलाल सर्टिफाइड हैं। अब दोस्तों इसके बाद बारी आती है हमारी कैटेगरीज की और हमारे प्रोडक्ट्स की। तो हमारे पास कितनी कैटेगरीज हैं आप मेरे को चैटबॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि 4 हैं, 10 हैं, 14 हैं, 34 हैं, 35 हैं, 40 हैं, कितनी कैटेगरीज हैं। चलिए बिल्कुल सही, हमारे पास है 14 कैटेगरीज और इन 14 कैटेगरीज में हमारे पास 300 से ज्यादा उत्पाद हम लोग के पोर्टफोलियो में मौजूद हैं। और दोस्तों इन कैटेगरीज को याद करना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वेस्टिज हम लोगों का है, वेस्टिज की कैटेगरीज हम लोग की हैं, वेस्टिज के प्रोडक्ट्स हम लोग के हैं, तो इनको याद करने की जिम्मेदारी भी ऑब्वियसली हम लोग की होती है। अगर हम लोग कैटेगरीज की बात करें तो हेल्थ केयर और पर्सनल केयर, ये दो कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें कि हमारे पास सब कैटेगरी आती हैं। इसके साथ ओरल केयर, हेल्थ फूड, एग्री प्रोडक्ट्स, ऑडियो बुक्स, आयुर्वेदा में अशांति, मेंस ग्रूमिंग में ट्रूमेन, प्रीमियम स्किन केयर में स्किन फॉर्मुला 9, कलर कॉस्मेटिक्स में मिस्ट्रल ऑफ मिलान, होम केयर में हाईवेस्ट, एयर प्यूरिफायर और वाटर प्यूरिफायर आप लोग के लिए लेकर के आते हैं शार्क के सौजन्य से। इसके साथ साथ वुमेन हाइजीन कैटेगरी में भी हमारे पास खुद के उत्पाद मौजूद है। अब इसमें जो पहली कैटेगरी आपके सामने आती है वो आती है हेल्थ केयर की, और ऑब्वियसली जहां पे बात आएगी हेल्थ की वहां पे इस कैटेगरी को बताने के लिए जो सबसे उपयुक्त पर्सन होगा यानी कि पर्सनालिटी होंगी वो होंगे जो कि हमारे हेल्थ के ट्रेनर है। तो आप लोगों की जोरदार हैंड रेज और यस के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे नॉर्थ इंडिया के हेल्थ ट्रेनर मिस रिजिता देव जी को। थैंक यू सो मच विकास, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। सो आज हेल्थ केयर कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। एक चीज बताइएगा मुझे आप सब कि हमारे स्वास्थ्य से बढ़कर, हमारी सेहत से बढ़कर कोई धन है, राइट? अगर कोई आपको लाखों करोड़ों अरबों रुपए दे दे, जितना पैसा चाहिए उतने सारे पैसे दे दे, लेकिन उसके बदले में आपसे ये बोले कि बस मुझे अपनी सेहत दे दो, मुझे एक किडनी, एक लीवर और एक हार्ट दे दो और जितने पैसे चाहिए ले लो, तो क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आप उसे किडनी, लीवर, हार्ट दे के करोड़ों रुपए लेना पसंद करेंगे? जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, राइट? मैं हूँ आपकी हेल्थ ट्रेनर रिजुता देव और आपके लिए लेके आती हूँ हेल्थ प्रोडक्ट की ट्रेनिंग। ओके, हेल्थ इज वेल्थ, कोई नहीं करेगा ये काम, यस कोई नहीं करेगा, क्योंकि हमारी सेहत से बढ़कर कोई धन नहीं है। अगर सेहत है तो हम धन आसानी से पा सकते हैं, और अगर नहीं है सेहत तो कुछ भी नहीं है, राइट? तो ये बात बहुत जरूरी है हम सबको समझना और याद रखना, क्योंकि हमेशा हम इस बात को भूल जाते हैं और क्या करते हैं, अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। और जब सेहत खराब हो जाती है तो अक्सर परेशान होते हैं कि सेहत खराब क्यों हो गई। सो सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये बात सही है। तो इसका ध्यान कैसे रखेंगे हम? इसका ध्यान रखेंगे हम सप्लीमेंट्स के द्वारा। सप्लीमेंट्स क्या हैं? पोषण पूरक आहार, वो आहार जो हमारे खाने में जो पोषण की कमी हो रही है उसे दूर करता है, राइट? आप ये कह सकते हैं कि आज हमारे खाने में पूरी तरीके से वो पोषक तत्व नहीं मौजूद हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चाहिए। तो शरीर को स्वस्थ तो रखना ही रखना है, तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? हमें लेना पड़ेगा सप्लीमेंट, पोषण पूरक आहार, राइट? आहार पूरक, ये सप्लीमेंट्स आपके शरीर को वो सारे पोषक तत्व देते हैं जिनके उन्हें आवश्यक है और उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। जैसे हर व्यक्ति अलग है, राइट? हर इंडिविजुअल अलग है, उसी प्रकार हमारे शरीर की, हमारे आपके शरीर की रिक्वायरमेंट, जरूरत भी अलग अलग है। तो हमारे संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखने में कौन मदद कर सकता है? सप्लीमेंट। इसीलिए विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके के सप्लीमेंट्स आते हैं जिससे आपके जो पर्टिकुलर आवश्यकता है उसे वो
पूरा कर सके। सो कैटेगरी वाइज हम समझते हैं सप्लीमेंट, तो सबसे पहला जो कैटेगरी आती है हेल्थ केयर कैटेगरी में वो कौन सी है, वो है प्राइम कैटेगरी। प्राइम कैटेगरी की बात करें तो प्राइम कैटेगरी वो है जो प्रीमियम है, सबसे खास सबसे उम्दा प्रोडक्ट आपके इस प्राइम कैटेगरी में मौजूद होते हैं। इस कैटेगरी का जो पहला प्रोडक्ट है वो है क्रिल ऑयल। क्रिल ऑयल की बात करूं तो क्रिल झींगे नुमा एक मछली होती है जो गहरे ठंडे समुद्र में पाई जाती है। इसमें मौजूद होता है फॉस्फोलिपिड, साथ ही साथ इसमें ईपीए और डीएचए है। डीएचए, डीएचए को कहते हैं ब्रेन का सीमेंट, यानी दिमाग का सीमेंट है डीएचए, ब्रेन डेवलपमेंट में आपकी मदद करता है। साथ ही साथ इसमें मौजूद फॉस्फोलिपिड बेहतर तरीके से कोशिकाओं में अवशोषण कराता है, और साथ ही साथ इसमें एस्थाजांथिन मौजूद है जो बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए, राइट, आपको सेहतमंद रखने में मदद करता है ये एस्थाजांथिन। अब बात करें कि क्रिल ऑयल करेगा क्या क्या। क्रिल ऑयल आपके ओवरऑल शरीर को बेहतर करने में मदद करेगा क्योंकि इसमें फॉस्फोलिपिड जो मौजूद है और उसके साथ जुड़ा हुआ ओमेगा 3 फैटी एसिड है, तो इसे कोशिकाएं आसानी से अवशोषित कर लेती हैं, बेटर तरीके से अब्सॉर्ब होता है। तो हमारे जो भी टारगेटेड अंग हैं, चाहे वो ब्रेन हो, हार्ट हो, लीवर हो, उसे बेहतर करने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, जोड़ों की चिकनाई को बना के रखता है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, राइट। साथ ही साथ इसमें मौजूद आपका एंटीऑक्सीडेंट एस्थाजांथिन फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। फ्री रेडिकल की अगर हम बात करें तो फ्री रेडिकल वो कारण होते हैं जो आपकी कोशिकाओं को खराब करते हैं और आपको बीमार कर सकते हैं, लेकिन एस्थाजांथिन उस फ्री रेडिकल को बाहर निकाल देता है, राइट, और आपको स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो एक तरह से देखें तो क्रिल ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट देता है। अब बात करते हैं अगले प्रोडक्ट के बारे में जो कि है आपका प्राइम का कंबाइटिक्स। कंबाइटिक्स की अगर हम बात करें तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा यूनिक फॉर्मुलेशन है, कैप्सूल इन अ कैप्सूल फॉर्मेशन, यानी एक कैप्सूल खरीदिए दूसरी मुफ्त मुफ्त मुफ्त, और वो दूसरी मुफ्त चीज भी कैसी है, बहुत ज्यादा बेहतर, बहुत ज्यादा अच्छी। कैसे, बाहर वाले कैप्सूल में है इसमें मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल और प्रीबायोटिक, और अंदर वाले कैप्सूल में है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक वो अच्छे बैक्टीरिया, वो गुड बैक्टीरिया जो आपको सेहतमंद रखने में मदद करते हैं, आपके पाचन तंत्र को बेहतर करते हैं और बेहतर तरीके से पोषण का अवशोषण कराते हैं। यानी आपको पोषण तो पूरा देता ही देता है कंबायोटिक, साथ ही साथ उसके अवशोषण में वो बेहतर तरीके से अब्सॉर्ब हो उसमें भी मदद करता है। यानी आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं आम के आम गुठलियों के भी दाम, राइट, हमारे शरीर में पोषण की कमी होने नहीं देता है। विटामिन डी को भी 50% तक पूरा करता है आपका कंबायोटिक्स। इसके साथ ही साथ विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12 100% RDA के हिसाब से पूरा किया गया, राइट। अब बात करते हैं सी बकथॉर्न, जो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट, बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट है। इसमें 190 तरीके के बायोएक्टिव कंपाउंड मौजूद हैं, कैरोटीनॉइड्स, टोकोफेरॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स, लिपिड एस्कॉर्बिक एसिड, इन सारे हेल्थ प्रमोटर माना जाता है। यानी ये सारी चीजें आपके सेहत को अच्छा करने में, स्वस्थ रखने में आपको मदद करती हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है, एंटी फंगल, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है और साथ ही साथ जख्म को जल्दी भरने में मदद करता है, स्किन को भी बेहतर करता है और एंटी ट्यूमर, ट्यूमर से भी बचाने में मदद करता है। खास बात मैं आपको बताऊं कि ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, इसीलिए आज हर कोई आपसे क्या कह रहा है कि आपको इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना है, क्योंकि कोविड की अभी कोई भी मेडिसिन नहीं है, कोई भी वैक्सीनेशन नहीं है। कोविड-19 से बचने की जो दवाई है वो आपके शरीर में मौजूद है और वो क्या है, आपकी इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, राइट। सो सी बकथॉर्न बहुत अच्छे से उस रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है। तो ये एक प्रोडक्ट है प्राइम कैटेगरी का जो इस समय के सिचुएशन में आपके घर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट।
राइट. सो सी बकथॉर्न आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करेगा. अब हम बात करते हैं अगले प्रोडक्ट की जो हमारा नया लॉन्च हुआ है, मेटामाइंड. राइट, आज हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, टॉप पोजीशन पे जाना चाहते हैं, लेकिन वो टॉप पोजीशन, वो सक्सेस हमें कैसे मिलेगी जब तक हमारा माइंड शार्प नहीं होगा. राइट, सो शार्प माइंड के लिए, स्मार्टर वर्क के लिए क्या है सोल्यूशन? मेटा माइंड. बच्चों की बात करें तो उनके कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करता है, मेमोरी को बढ़ाता है, अटेंशन स्पैन को बेहतर करता है, उनकी लर्निंग की एबिलिटी को बढ़ाता है, बिहेवियर खास तौर से स्ट्रेस मैनेजमेंट में मदद करता है. बच्चों पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का हो. इस लॉकडाउन में भी बच्चे शांति से नहीं बैठे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है. राइट, सो अगेन उसका भी प्रेशर है, उस फेस से मैनेज करने का भी प्रेशर है. तो मेटामाइंड एक अच्छा ऑप्शन है उनकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने का और उनकी इंटेलिजेंस को एनहांस करने का. वर्किंग प्रोफेशनल्स जो लोग काम कर रहे हैं, राइट, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, हर जगह फोकस है, हर जगह आपके काम की सराहना तभी होगी जब आप आउट ऑफ बॉक्स सोचेंगे, कुछ अलग, कुछ हटकर करेंगे. राइट, और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव फंक्शन कितना है, कितने बेहतर तरीके से फोकस करके आप काम कर सकते हैं, अलर्टनेस कितनी है, मेमोरी रिकॉल, याददाश्त कितनी बेहतर है. राइट, सो वो सारी चीजों करने में कौन मदद कर सकता है? मेटा माइंड. बड़े लोगों के लिए अगर हम बात करें तो उनकी मेमोरी को बेहतर करता है. एज के साथ होने क्या लगता है, नाम भूलने लगते हैं. राइट, इसके साथ साथ बड़े लोग सामान रख के भी भूल जाते हैं कि एक्चुअली कहाँ रखा है, तो उनकी मेमोरी के रिकॉल को बेहतर करता है. डिमेंशिया, एज के साथ जो भूलने की बीमारी है, उसे भी कम करने में, बचाने में भी मदद कर सकता है आपका मेटामाइंड. तो आप ये कह सकते हैं कि आपके घर के स्मार्टर फैमिली के लिए, राइट, बहुत ही अच्छा और शानदार प्रोडक्ट है मेटामाइंड. सो होपफुली आपको प्राइम कैटेगरी क्लियर हुई होगी. चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ, अगले प्रोडक्ट कैटेगरी की तरफ. उससे जाने से पहले बात करते हैं एक्सट्रैक्ट एफ की. अगले प्रोडक्ट में एक्सट्रैक्ट एफ की अगर हम बात करें तो ये हमारे जो फलों की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करता है. हर जगह क्या बात की जाती है कि हमें रंगीन फल इंक्लूड करना चाहिए. राइट, कलरफुल खाना चाहिए, रेनबो डाइट खानी चाहिए, कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को इंक्लूड करना चाहिए. राइट, हर रंग कुछ कहता है लेकिन हर रंग कुछ करता भी है, तो उस करने में कौन मदद कर सकता है? एक्सट्रैक्ट एफ. राइट, 13 तरीके के फल मौजूद हैं इसमें जो आपके कलरफुल फ्रूट्स के रिक्वायरमेंट को तो पूरा करते ही करते हैं. एंटीऑक्सीडेंट फाइबर देते हैं, फ्री रेडिकल से लड़ते हैं, आपके पेट को भरा रखते हैं और आपको विटामिन और मिनरल भी देते हैं, यानी आपको स्वस्थ रखने में मदद करते हैं. एक्सट्रैक्ट वी की हम बात करें तो आपकी जो डेली की रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरे पत्तेदार सब्जियां हमें खाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली हम देखें तो हम कितना ही खा पाते हैं, बहुत ही थोड़ा सा. राइट, सो अगर हम बात करें आपके एक्सट्रैक्ट बी की तो इसमें 7 तरह की वेजिटेबल्स का मिक्सचर है, फाइटोकेमिकल्स भरपूर मात्रा में है, क्लोरोफिल फाइबर है मौजूद जो आपके पेट को ज्यादा लंबे समय तक भरा रखता है, साथ ही साथ एसेंशियल विटामिन और मिनरल की रिक्वायरमेंट को भी ये पूरा करता है. इसके बाद अगली बात करते हैं हम, जो कि है इम्यूनिटी बूस्ट. आज आप कहीं पर भी देख लीजिए, चाहे आप टीवी देख रहे हो, चाहे आप लैपटॉप वीडियो देख रहे हो, हर जगह एक ही बात कही जा रही है, वो क्या, कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए, वो सारी चीजें करिए जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो सके. सो इम्यूनिटी की हम बात करें, इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, नेचुरल डिफेंस सिस्टम जो हमारी बॉडी में होता है. लेकिन वो जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है वो क्या होता है, बहुत सारे कारणों से खराब हो सकता है, हमारी खराब हैबिट्स की वजह से. राइट, हमारे खराब खान पान की वजह से वो इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता खराब हो जाती है. और अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता खराब हो गई तो होगा क्या, हम बार बार बीमार पड़ सकते हैं, छोटा सा भी इन्फेक्शन हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है. इसीलिए आज बोला जा रहा है कि अपनी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करके रखिए जिससे कि आप इन्फेक्शन से बच सकें. राइट, तो हम बात करते हैं आपके इम्यूनिटी के प्रोडक्ट के बारे में. तो सबसे पहला प्रोडक्ट है नोनी. नोनी की हम बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करता है, विटामिन और मिनरल देता है, साथ ही साथ इसमें मौजूद होता है 09.
09 क्या करता है? 09 आपके कोशिकाओं के छिद्र को खोलने का काम करता है, और अगर एक बार कोशिकाएं के छिद्र खुल गए तो बेहतर तरीके से पोषण का अवशोषण होता है। आप इसे ऐसे भी मान सकते हैं कि अगर आप कोई कहते हैं जिस चीज जो चीज जैसे दिखती है वो उस पर असर डालती है, राइट? जैसे कि अखरोट, अखरोट कैसे दिखता है? दिमाग की तरह दिखता है, तो दिमाग के लिए अच्छा माना जाता है। गाजर के पतले स्लाइस करेंगे तो गाजर की तरह के पतले स्लाइस किसकी तरह दिखते हैं? आंखों की पुतली की तरह, तो गाजर आंखों के लिए अच्छे माना जाता है। वैसे ही जरा अपने स्क्रीन पर आ रही नोनी की तस्वीर को ध्यान से देखिएगा, ये जो हरे रंग का दिख रहा है कैसा दिख रहा है? कोशिका और कोशिकाओं में मौजूद छिद्रों की तरह दिख रहा है। तो क्या करेगा? कोशिकाओं के छिद्रों को खोलने का काम करेगा। एक ट्रिक, एक तरीका जिससे आपको हमेशा याद रहेगा कि नोनी काम कैसे करता है, राइट? कोशिकाओं के छिद्र को खोलने में मदद करता है। इसके अलावा जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हैं उसमें बेटर कर सकता है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम में और पाचन क्रिया में अगर किसी की गड़बड़ी है तो उसमें भी नोनी मदद कर सकता है। अब हम बात करते हैं स्पायरलुना की। स्पायरलुना की अगर हम बात करें तो इसे पोषण पूरक आहार कहा जाता है, राइट? क्यों कहा जाता है पोषण पूरक आहार? न्यूट्रिएंट का पावर हाउस, यानी पोषण का पावर हाउस माना गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषण मौजूद हैं। प्रोटीन भी मौजूद है, एक एकलौता प्लांट सोर्स जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है, राइट? इसके साथ साथ इसमें बीटा कैरोटीन, विटामिन ई, आयरन, विटामिन B12 है, हाई लेवल्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट, पोटेशियम, सोडियम, जिंक मौजूद है। इसके पोषण की प्रोफाइल बहुत अच्छी है, इसे सुपर फूड का दर्जा दिया गया है। सुपर फूड बहुत ही शानदार है, राइट? साथ ही साथ फ्यूचर फूड भी कहते हैं, भविष्य का खाना भी इसे माना गया है। अब बात करते हैं आपके अगले प्रोडक्ट के बारे में जो कि है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या है? बोवाइन कोलेस्ट्रम है आपके वेस्टीज का कोलेस्ट्रम, यानी गाय के पहले गाढ़े पीले दूध से बना हुआ कोलेस्ट्रम, राइट? इसे खीज भी कहते हैं, पीयूष भी कहते हैं, पीयूषी भी कहते हैं, कई जगह पेप्सी भी कहते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से इस कोलेस्ट्रम को जाना जाता है। ये कोलेस्ट्रम क्या करता है, राइट? अगर हम कोलेस्ट्रम की बात करें, इसे रेगुलर मिल्क से कंपेयर करें तो देखा गया कि इसमें ज्यादा पोषण तत्व मौजूद होते हैं, राइट? इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट दोनों ही हैं। इसे बेस्ट नेचुरल फूड सप्लीमेंट का दर्जा मिला हुआ है। स्ट्रेंथ देता है, मसल मास को बिल्डअप करता है, फैट को बर्न करने में, इम्यून फंक्शन को बेहतर करने में, और साथ ही साथ आपको जल्दी ठीक होने में मदद करता है। छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं जो 4 साल के ऊपर है, 3 साल 4 साल के ऊपर है, उन्हें आप कोलेस्ट्रम जरूर दीजिए इस समय, क्योंकि बच्चों को कोलेस्ट्रम की जरूरत इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए है, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर रह सके, राइट? कैप्सूल नहीं खा सकता बच्चा, तो कैप्सूल को खोल करके उसके पाउडर को आप दूध में घोल करके भी बच्चे को दे सकते हैं। जो 3-4 साल के ऊपर बच्चे हैं उनको आप कोलेस्ट्रम जरूर दीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम एलोवेरा की। एलोवेरा एक नेचुरल फूड सप्लीमेंट है, राइट? हम सब सदियों से एलोवेरा को यूज करते आ रहे हैं। बहुत सारे इसमें विटामिन, मिनरल्स हैं। 20 प्रकार के अमीनो एसिड में से 19 प्रकार का अमीनो एसिड इसमें मौजूद है। 8 एसेंशियल अमीनो एसिड इसमें मौजूद है, 8, राइट? एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करें तो वो अमीनो एसिड जो हमें बाहर से खाने की लेने की जरूरत पड़ती है, हमारा शरीर खुद नहीं बनाता है अमीनो एसिड्स को, राइट? सो ये इसमें 8 में से 7 तरीके के मौजूद हैं। साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करता है, पाचन क्रिया को, पाचन तंत्र को बेहतर करता है। तो अगर किसी को कब्जियत की शिकायत है तो उसे भी दूर करने में मदद करेगा, और साथ ही साथ अगर किसी का पेट बार बार गड़बड़ हो जाता है, डायरिया जैसी कोई शिकायत होती है, तो उस केस में एलोवेरा आपकी मदद कर सकता है। साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करता है, इम्यूनिटी को बेहतर करता है, स्किन को भी बेहतर करने में मदद करता है एलोवेरा। एलोवेरा के साथ हमेशा एक प्रोडक्ट आता है जिसका हम हमेशा एलोवेरा के साथ नाम लेते हैं, वो कौन सा प्रोडक्ट है जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि एलोवेरा के साथ कौन सा एक प्रोडक्ट है जिसका नाम हम हमेशा लेते हैं। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड, यानी आप सबको पता है कि कौन सा प्रोडक्ट आता है एलोवेरा के साथ। वेरी नाइस, ओके, राहुल, सुनीता, अमर, राजा राम जी, वेरी गुड, निगम,
ओके सो हम बात करते हैं आंवला की। आंवला आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करता है, प्री मैच्योर एजिंग समय से पहले त्वचा को खराब होने से बचाता है, विटामिन सी इसमें है जो सर्दी जुखाम से लड़ने में मदद करता है। विटामिन सी इस समय बहुत जरूरी माना जा रहा है, एक विटामिन जिसे आपको सेवन करना चाहिए, राइट। सो आंवला में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी है, आपके सी बकथॉर्न में भी अच्छी मात्रा में विटामिन सी है, कंबाइटिक्स में भी विटामिन सी है, राइट। साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र को बेहतर करता है, जीआई ट्रैक को बेहतर करता है, पीएच लेवल को बैलेंस करने में और लीवर को बेहतर करता है, स्किन को भी बेहतर करने में मदद करता है, राइट। साथ ही साथ ठंडा प्रोडक्ट है तो बॉडी में जो एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको भी काम करने में आंवला मदद कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी की जो कि है प्रोहार्ट। प्रोहार्ट की अगर हम बात करें तो हृदय संबंधित प्रोडक्ट, दिल की जब बात आती है तो दिल की अक्सर बातों में हम क्या करते हैं, दिल को देने में और लेने में तो विश्वास रखते हैं लेकिन दिल का ख्याल रखना भूल जाते हैं। लेकिन दिल का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि दिल एक ऐसा ऑर्गन है जो माँ के गर्भ में बच्चा आता है तो जो सबसे पहला अंग बनता है वो कौन सा है, वो हार्ट है। तब से दिल धड़कना शुरू करता है और कब तक धड़कता रहता है, जिंदगी भर, राइट। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की अगर हम बात करें तो कार्डियो मतलब हार्ट, वैस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स, राइट। सो हार्ट दिल और उसके साथ साथ ब्लड वेसल्स को बेहतर करने में मदद करता है और इन दोनों चीजों को मिलाकर हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। फ्लैक्स सीड ऑयल की अगर हम बात करें तो ये फ्लैक्स प्लांट से मिलता है। फ्लैक्स सीड ऑयल में ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड है जो आपको सेहतमंद रखने में मदद करता है। साथ ही साथ हृदय संबंधित बीमारियों से फ्लैक्स सीड ऑयल बचाता है, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी समस्याओं से भी में भी फ्लैक्स ऑयल मदद कर सकता है। साथ ही साथ इसमें मौजूद ये फ्लैक्स ऑयल आपके प्रोटीन, इसमें फ्लैक्स ऑयल में जो मौजूद है वो प्रिवेंशन के तौर पर यानी बचाव और उपचार दोनों ही तरीके से हृदय संबंधित बीमारियों में परेशानी में हमारी मदद कर सकते हैं। प्रो स्पेरेंडियर ग्लूकोज, खाना खाने के बाद जो शुगर का लेवल बढ़ जाता है उसे भी कंट्रोल करने में ये मदद कर सकता है। LRG9 की अगर हम बात करें तो LRG9 नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है, बहुत ही ज्यादा रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। नाइट्रिक ऑक्साइड देता है जो वैसोडाइलेटर की तरह काम करता है, यानी वेन्स को खोलने का, उसको मुलायम बनाने का और उन्हें लचीला बनाता है, नसों को खोलने का, मुलायम करने का और लचीला बनाने का काम होता है, जिससे ये बेहतर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन को होगा, ब्लड फ्लो के बेहतर करने में मदद करेगा, जख्म को जल्दी भरने में मदद करेगा और साथ ही साथ स्टेमिना को बढ़ाने में भी LRG9 आपकी मदद करता है। कोएंजाइम क्यूटेन की हम बात करें तो कोएंजाइम क्यूटेन नेचुरल अकरिंग बाउंड है जो हमारे यहाँ पर आपके जो है कोशिकाओं में मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, लेकिन एज के बढ़ने के साथ साथ ये कोएंजाइम क्यूटेन कम हो सकता है और हमारे वो सारे ऑर्गन जो लगातार बहुत एक्स्ट्रा काम करते हैं उनको ज़्यादा जो है एनर्जी की आवश्यकता होती है। सो कोएंजाइम क्यूटेन की अगर हम बात करें तो ये कोशिकाओं को एनर्जी देने में मदद करता है, हृदय की कोशिकाओं को एनर्जी देता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है तो हृदय की कोशिकाओं को खराब होने से, फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है, साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन और लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी कोएंजाइम क्यूटेन मदद करता है। कोएंजाइम क्यूटेन को सिर्फ और सिर्फ हृदय का प्रोडक्ट मत समझिए, ये इसे एनर्जी का प्रोडक्ट समझिए जो उम्र के साथ जो एनर्जी लेवल कम हो रहा है उसको बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है, राइट। अब बात करते हैं हम कोकोनट ऑयल कैप्सूल की। जो कोकोनट ऑयल कैप्सूल की हम बात करें तो वेस्टीज का जो कोकोनट ऑयल कैप्सूल है वो किससे मिलकर बना है, वो मिलकर बना है आपके वर्जिन कोकोनट ऑयल से, राइट। वर्जिन कोकोनट ऑयल है, इसमें अल्फा लिपोइक एसिड है और साथ ही साथ मीडियम चेन फैटी एसिड है। ये जो मीडियम चेन फैटी एसिड, अल्फा लिपोइक एसिड, राइट, ये सारे चीजें क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करते हैं, हृदय संबंधित बीमारियों से बचाते हैं, मेटाबॉलिज्म को बेहतर कर पाचन क्रिया को बेहतर करते हैं, दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है आपका कोकोनट ऑयल। तो आप ये कह सकते हैं कोकोनट ऑयल के बारे में कि जो लोग दिल ज्यादा लगाते हैं और साथ ही साथ दिमाग बहुत ज्यादा लगाते हैं, यानी जो लोग दिल और दिमाग दोनों ही लगाते हैं उन्हें हम क्या दे सकते हैं, कोकोनट ऑयल कैप्सूल
दे सकते हैं। स्किन को बेहतर करने में मदद करेगा, साथ ही साथ जोड़ों के दर्द को कम करने में और वजन को कम करने में भी मदद करेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा है और पाचन क्रिया को बेहतर कर रहा है, राइट। सो अभी तक हमने बात करी हृदय संबंधित प्रोडक्ट की, अब हम बात करते हैं अगले कैटेगरी की जो की है ग्लाइसेमिक हेल्थ। इस समय लॉकडाउन में हर किसी के खाने पीने का तरीका बदल गया है, राइट। और अब इस समय ड्यूरेशन में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा लोग क्या खा रहे हैं, मीठा, राइट। और किसको किसको मीठा खाना पसंद है जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आजकल आप मीठे में क्या क्या खाना पसंद कर रहे हैं और कितना मीठा खा रहे हैं, राइट। ओके, वेरी नाइस। ओके, मतलब सबको पसंद है मीठा खाना, वेरी गुड। मिल्क, ओके, गुलाब जामुन, जलेबी, ओके, वेरी नाइस। स्वीट, मीठा पसंद है गुलाब जामुन, ओके। यानी हम बात करें हलवा, ओके, गुड, हम सबको मीठा खाना बहुत पसंद है, अच्छी बात है। कहते हैं शुगर खाने में जितना मजा देती है, शुगर खाने में जितना मजा देती है, शुगर हो जाए तो उतनी ही सजा देती है। तो इसलिए कृपया करके संभल के मीठा खाइए, क्योंकि अगर जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो क्या हो जाएगी, डायबिटीज, शुगर हो जाएगी। और अगर ब्लड का शुगर का लेवल बढ़ गया तो आपको बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, राइट। इसलिए शुगर खाने में जितना मजा देती है, शुगर हो जाती है तो उतनी ही सजा देती है, इसलिए संभल कर मीठा खाइए। क्योंकि डायबिटीज को क्या माना गया है, एक चोर बीमारी है जो दबे पांव आती है लेकिन आपके शरीर को खोखला करके चली जाती है, राइट। सो इस कैटेगरी में जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है नीम। नीम की अगर हम बात करें तो एंटी डायबिटिक पोटेंशियल रखता है, यानी शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है, इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करता है, साथ ही साथ इंसुलिन लेवल को भी बढ़ाता है। तो जो लोग बाहर से इंसुलिन ले रहे होते हैं उनको भी मदद कर सकता है नीम। साथ ही साथ एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी है, इन्फेक्शन से बचाता है और स्किन को भी बेहतर करने में मदद करता है आपका नीम। अब बात करते हैं स्टीविया की। स्टीविया क्या है? स्टीविया नेचुरल शुगर रिप्लेसर है, राइट। स्टीविया की पत्तियों से निकाला जाता है इसे। ये 300 गुना ज्यादा मीठा है आपकी सफेद चीनी से, 300 गुना ज्यादा मीठा है। आपकी सफेद चीनी आपको बहुत ज्यादा नुकसान करती है, आपके शुगर के लेवल को बढ़ाती है, आपकी बॉडी को एसिडिक करती है, एक्स्ट्रा कैलोरीज देती है जो आपके मोटापे को बढ़ा सकती है। लेकिन स्टीविया की अगर हम बात करें तो ये 300 गुना ज्यादा मीठा तो है पर शुगर के लेवल को नहीं बढ़ाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्टीविया का 0 है, राइट। कोई भी एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं देता, बॉडी को एसिडिक नहीं करता है। लेकिन स्टीविया आप उन सारी जगहों पे यूज कर सकते हैं जहां जहां आप मीठे का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टीविया क्या है? स्टीविया एक शुगर रिप्लेसर है, अपनी सफेद चीनी को हटाकर स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो होपफुली आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं फिटनेस एंड डाइट की। फिट रहना कौन कौन चाहता है जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, फिट रहना कौन कौन चाहता है। मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब हर कोई देगा कि मैं रहना चाहता हूँ, राइट। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। फिट रहना हम सब चाहते हैं, लेकिन अगर हम बात करें फिट रहने के लिए करते क्या हैं, तो शायद से जवाब आता है कुछ नहीं, या कई लोग मुझे कहते हैं मैडम अच्छा खाते हैं, राइट। लेकिन अगर आप फिट नहीं हैं तो क्या हो सकता है, आपको बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो फिट रहना बहुत जरूरी है, इसके लिए जो सबसे पहला प्रोडक्ट आता है वो है प्रोटीन पाउडर। 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं, वे प्रोटीन सोया आइसोलेट से मिलकर बना है, लो इन फैट है, हाई इन प्रोटीन है, इजी टू डाइजेस्ट, आसानी से पच जाता है और साथ ही साथ वेट को मैनेज करने में, वजन को मैनेज करने में भी मदद करता है, बॉडी के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को आपके पूरा करता है। कैसे यूज कर सकते हैं? कैसे भी यूज कर सकते हैं आप इसे, दूध में डाल करके, आटे में डाल करके, दाल में डाल दीजिए, राइट, थोड़े थोड़े अमाउंट में डाल दीजिए, जिससे आपके घर में हर किसी को प्रोटीन मिल जाएगा और हर किसी की बॉडी की रिक्वायरमेंट को ये पूरा कर देगा, राइट।
सो हम बात करें अगर ओबिसिटी की, मोटापे की, तो बहुत तेजी से मोटापा बढ़ता जा रहा है, राइट। इंडिया टॉप 3 कंट्रीज में आ चुका है ओबिसिटी की रेस में, और जिस हिसाब से लॉकडाउन में हमारा खाना पीना और सारी चीजें हो रही हैं, हर जगह इसी चीज का जोक चल रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो, कि जिस हिसाब से लोगों का खाने पीने में तरीके में बदलाव आया है, उस हिसाब से दिन दूर नहीं है कि जब लॉकडाउन हटेगा तो जो कपड़े पुराने हैं वो किसी को नहीं आ रहे होंगे, राइट। ओबिसिटी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सो ओबिसिटी की अगर हम बात करें तो ओबिसिटी के लिए वेस्टीज लेके आता है आपके लिए वेस्लिम रेंज। वेस्लिम रेंज में बात करें तो सबसे पहले आता है वेस्लिम शेक। वेस्लिम शेक आपका मील रिप्लेसर है, आप अपने खाने को हटाकर उसकी जगह वेस्लिम शेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको पोषण पूरा देगा, लेकिन आपको ना अतिरिक्त कैलोरी देगा ना ही अतिरिक्त वसा देगा, राइट। सो आप वेस्लिम शेक खाने की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, मील रिप्लेसर है। इसके बाद करते हैं वेस्लिम कैप्सूल, जो आपके भूख को कंट्रोल करेगी लेकिन पोषण से समझौता नहीं करेगी, यानी थोड़े में ही आपका पेट भर देगा लेकिन शरीर पूरी तरीके से पौष्टिक तत्वों से भरपूर रहेगा और साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर अतिरिक्त कैलोरी को भी खत्म करेगा। वेस्लिम टी की बात करें तो लो कैलोरी ड्रिंक है, आप अपनी चाय कॉफी की जगह क्या ले सकते हैं, वेस्लिम टी ले सकते हैं, चाहे वो चाय कॉफी या कोल्ड ड्रिंक। अभी गर्मियों में लोग कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर रहे हैं, उसकी जगह आप वेस्लिम टी ठंडी ठंडी लीजिए, आपके मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर करेगा और आपके शरीर को भी बेहतर करने में मदद करेगा। डिटॉक्स एंड रिजुवेनेशन की बात करें तो टॉक्सिन्स हमारे हर इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है, और ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जाके क्या करते हैं, गंदगी अगर आप कहीं पर है तो वो क्या करेगी, बीमारी पैदा करेगी। तो वैसे ही ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जाके क्या करते हैं, हमें बीमार कर सकते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है डिटॉक्सिफिकेशन करना। इस कैटेगरी में जो सबसे पहला प्रोडक्ट आता है वो है करक्यूमिन प्लस। करक्यूमिन प्लस किससे बनता है, हल्दी से मिलता है। आज आप हल्दी के कहीं पर भी विशेषता पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात निकल के आती है कि हल्दी में मौजूद है करक्यूमिन। करक्यूमिन वो खास है जो इसे एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी की प्रॉपर्टी देता है, इन्फ्लेमेशन को कम करने में, सूजन को कम करने में मदद करता है, कीमोथेरेपी में सपोर्ट करता है, राइट। कीमोथेरेपी कौन सी बीमारी में होती है, जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कीमोथेरेपी को सपोर्ट करने में मदद करता है, यस यू आर राइट, कैंसर के केस में, राइट। सो उस केस में हमारी मदद कर सकता है, कोशिकाओं को खराब होने से बचाता है, कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है, क्योंकि अगर कोशिकाएं खराब हुई तो कैंसर जैसा रोग हो सकता है। हृदय संबंधित बीमारियों से बचाने में, आर्थराइटिस के केस में भी हमारी मदद करता है करक्यूमिन, और साथ ही साथ टॉक्सिन्स को बॉडी से निकालता है। अब बात करते हैं ग्यानोडर्मा की, तो ग्यानोडर्मा एक तरीके का मशरूम है, राइट, जो हमारे बॉडी में जाकर इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, स्कैनर की तरह काम करता है, बॉडी में स्कैन करता है, अगर किसी को कोई समस्या है कोशिकाओं में तो उसे दूर करने में मदद करता है, राइट। अब बात करते हैं डिटॉक्स फूड पैच की। डिटॉक्स फूड पैच, राइट, फूड रिफ्लेक्सोलॉजी पे काम करता है, जो टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से निकालता है और साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को बेहतर करके हमें हेल्दी रखने में मदद करता है। डाइटरी फाइबर की बात करें, आज आप कहीं पर भी न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है कि हमें हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए, लेकिन आज हमारे खाने में फाइबर मौजूद नहीं है, राइट। तो वेस्टीज फाइबर एक उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें 3 नेचुरल सॉल्युबल फाइबर है, राइट। फाइबर की मात्रा को बढ़ाता है, पाचन क्रिया को बेहतर करता है और साथ ही साथ वेट को मैनेज करने में भी आपकी मदद करता है। आई सपोर्ट की बात करें, नाम से पता चल रहा है, आंखों को सपोर्ट करेगा, क्योंकि आज के समय में इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लैपटॉप, फोन, टीवी, इन सब का यूजेस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सो आंखों को प्रिवेंट करने में, बीमारी से बचाने में, सेहतमंद रखने में आई सपोर्ट आपकी मदद करता है। वुमेन्स हेल्थ की बात करें, जो महिलाएं घर की धुरी हैं, समाज की धुरी हैं, तो महिलाओं को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है इसमें शतावरी मैक्स। शतावरी को क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है, औषधियों की महारानी माना गया है, राइट।
एडोलसेंट से लेकर मेनापॉज, यानी जिस एज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो रहे हैं तब से लेकर आप जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड स्टॉप हो रहा है, महामारी रुक रही है, तब से लगातार हर स्टेट में आप चेतावनी दे सकते हैं, राइट। हर ट्रांजेक्शन को बेहतर करता है। इसके अलावा अगर पीरियड में इरेगुलरेशन है, महामारी में अनियमितता है, या महामारी के समय कोई समस्या दिक्कत आ रही है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसको भी ठीक करने में शतावरी मदद कर सकता है। आयरन एंड फॉलिक प्लस की बात करें तो आयरन हमारे लाल रुधिर कणिकाओं को बढ़ाता है, जो हीमोग्लोबिन को लेवल को बढ़ाता है, जिसे आप साधारण भाषा में कहते हैं शरीर में खून की मात्रा। तो आप ये कह सकते हैं कि आयरन फॉलिक आपके शरीर में खून को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही साथ जिंक इसमें मौजूद है, जो ऑस्टियोपोरोसिस, जो मेनोपॉज के समय जो महिलाओं को जोड़ों की समस्या हो जा रही है, उसे भी दूर करने में मदद कर सकता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की बात करें, यूटीआई इन्फेक्शन की बात करें, तो पेशाब की नली का इन्फेक्शन मेल और फीमेल दोनों में ही कॉमन है, लेकिन महिलाओं में ज्यादा देखा गया है, राइट। यूथेरिया, ब्लैडर या किडनी का इन्फेक्शन हो सकता है, राइट। सो उसको दूर करने में आपकी मदद कर सकता है क्रैनबेरी। क्रैनबेरी में सिट्रिक एसिड मौजूद है, जो ब्लैडर के कॉम्प्लिकेशंस को दूर करता है, और साथ ही साथ डी मैनोज नाम का शुगर है, जो बार बार बैक इन्फेक्शन हो जाता है, उससे भी बचाता है, राइट। हेयर एंड स्किन एंड नेल्स की बात करें, नाम से ही पता चल रहा है कि हेयर बालों को घना करने में, बालों को सफेद समय से पहले सफेद होने से रोकने में मदद करेगा, साथ ही साथ स्किन के एजिंग के साइंस को डिले करेगा, आपके स्किन को अच्छा रखने में मदद करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और नाखूनों को शाइनिंग करेगा। जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ कैटेगरी की हम बात करें तो जोड़े और हड्डियां हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, उन्हीं की वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं, अर्थराइटिस, ऑर्थोआर्थराइटिस, जॉइंट्स एंड बे, राइट। लेकिन ये जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, ऑर्थोआर्थराइटिस की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए वेस्टीज लेके आता है ग्लूकोसामाइन, नई कार्टिलेज को बनाने में मौजूदा कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करता है, जोड़ों की चिकनाई को बना के रखता है, सिनाइवल फ्लूइड, राइट। जो सिनाइवल फ्लूइड चिकनाई या ग्रीस जोड़ों में मौजूद है उसको मेंटेन करने में मदद कर सकता है, और साथ ही साथ सूजन को कम करता है। कैल्शियम की बात करें तो हड्डियों को मजबूत करने में, दांतों की समस्या को दूर करने में, और साथ ही साथ बोन डेंसिटी को इंक्रीज करने में कैल्शियम काम करता है। अब बात करें कोलाजन की, कोलाजन रोज हिप एक्सट्रैक्ट विटामिन सी से मिलकर बना है, जोड़ों में जिनको गठिया बाई या की समस्या होती है, उनको जकड़न की भी समस्या होती है, साथ ही साथ उनके जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उस दर्द को, उस सूजन को कम करने में आपकी मदद कर सकता है वेस्टीज का कोलाजन, राइट। अब हम बात करते हैं आयुष शांति कैटेगरी की बात करें, अगर हम आयुष शांति कैटेगरी की बात करें, आयु शांति कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसे साइंस ऑफ वेलनेस माना गया है। आयु शांति कैटेगरी बेस्ड है आपके आयुर्वेदा प्रोडक्ट पे, राइट। आयुर्वेदा पे, आयुर को क्या कहते हैं, आयुर मतलब जीवन, वेदा मतलब विज्ञान, यानी जीवन से जुड़ा हुआ जो विज्ञान है वो है आयुर्वेदा, और उसी के प्रिंसिपल्स पे बने हुए हैं आपके आयु शांति कैटेगरी के प्रोडक्ट। सबसे पहला प्रोडक्ट है इसमें ग्लूको हेल्थ। ग्लूको हेल्थ की बात करें तो नॉर्मल ग्लाइसेमिक हेल्थ को मेंटेन करने में आपकी मदद कर सकता है, राइट। इसके साथ साथ आपके पेंक्रियास को मजबूत करता है, इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाता है। इंसुलिन वो ऑर्गन है, वो अंग है, राइट। इंसुलिन वो हार्मोन है, पेंक्रियास वो अंग है जो इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाता है, और इंसुलिन वो हार्मोन है जो आपके ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। आपके रुधिर के में जो शक्करा का लेवल बढ़ गया है, उसको शक्करा को कोशिकाओं तक ले जाने का काम करता है। साथ ही साथ हाइपरग्लाइसीमिया, यानी शुगर के बढ़ जाने की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं शरीर में, उसको भी कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। प्रोकार्ट की अगर हम बात करें तो प्रोकार्ट हृदय के लिए टॉनिक का काम करता है, लिपिड के प्रोफाइल को मेंटेन करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, उसे कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। टॉक्सिन, नाम से पता चल रहा है क्या करेगा, टॉक्सिन्स को क्लीन करेगा, कोलन से और ब्लड से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में मदद करेगा, कब्जियत से राहत दिलाएगा, साथ ही साथ पाचन तंत्र को बेहतर करने में आपकी मदद करेगा। वाइटल कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट आपके वाइटल कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, नई कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मदद बढ़ाता है, थकान को दूर करने में, और साथ ही साथ स्ट्रेस जिसको बहुत ज्यादा होता है, तनाव के केस में भी, स्ट्रेस रिलीफ में भी आपकी मदद कर सकता है वाइटल कॉम्प्लेक्स।
अब बात करते हैं किडनी हेल्थ, नाम से पता चल रहा है किडनी को सपोर्ट करेगा। अगर किडनी में या यूनरी ब्लैडर में पथरी हो गई है सो उस केस में आप किडनी हेल्थ दे सकते हैं। पथरी को तोड़ने में पथरी को तोड़ेगा, डायूरेटिक फॉर्म में है, ये डायूरेटिक है यानी यूरिन के रास्ते से उसे पास आउट करा सकता है, राइट। और साथ ही दोबारा पथरी होने से भी बचाने में मदद करता है आपका किडनी हेल्थ। लीवर हेल्थ की अगर हम बात करें तो खराब हो चुकी लीवर कोशिकाओं को बेहतर करने में मदद करता है, लीवर के एंजाइम के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है यानी लीवर के एंजाइम को भी बढ़ाने में मदद कर सकता है लीवर हेल्थ। रेस्पो केयर, स्वास्थ्य संबंधित अगर किसी को कोई समस्या है, चाहे लंग्स कमजोर हो गए हो, चाहे कि अस्थमा की शिकायत हो गई हो, राइट, सो उन सारे केसेस में रेस्पो केयर आपकी मदद कर सकता है। इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करता है, बार बार जो इन्फेक्शन हो जा रहा है उससे बचाने में मदद करता है, म्यूकस कफ को तोड़ने में भी आपकी मदद करता है। और एक खास बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जिन हर्ब्स को रिकमेंड किया है इस समय लेने के लिए, चाहे वो तुलसी हो, राइट, आपकी गिलोय है, आपकी सोट है, पीपली है, वो सारी चीजें आपके रेस्पो केयर में ऑलरेडी मौजूद है, राइट। सो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को बेहतर करने के लिए। सो होपफुली आपको ये सारे प्रोडक्ट क्लियर हुए होंगे, राइट। इसके साथ साथ हम पूरे दिन आपके लिए बहुत सारे सेशन करते हैं, हेल्थ की ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें हम आपको एक्चुअली बताते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे लेना है और क्या क्या इसके हेल्थ बेनिफिट हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वो सेशंस आप जरूर अटेंड करिए, जिससे आप बेहतर तरीके से जान पाइए कि किस प्रोडक्ट को कैसे हमें देना है, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू विकास सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। एंड दोस्तों, अभी हम लोगों ने समझा कि हमारे जो विश्वस्तरीय उत्पाद हैं, यानी कि जो हमारे हेल्थ के सप्लीमेंट्स हैं, वो कैसे करके हम लोग को एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में हमारी मदद करते हैं। और जैसे कि आपको बताया कि हमारे पास 14 कैटेगरीज हैं, 14 कैटेगरीज में हमारे पास 300 से ज्यादा उत्पाद हम लोग के पोर्टफोलियो में मौजूद हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे बाकी की कैटेगरीज के प्रोडक्ट की। तो अगर हम लोग बाकी की कैटेगरीज की बात करें तो उसमें सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है आपका शार्प का एयर प्यूरीफायर, शार्प का वाटर प्यूरीफायर। और इसके साथ मैं जो हमारे मोहित जी हैं ब्रोंज डायरेक्टर, उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। धन्यवाद क्यों, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों, उसमें सबसे पहला प्रोडक्ट आपके सामने जो पहली अगली कैटेगरी आती है वो आपकी आती है शार्प के वाटर प्यूरीफायर की। तो वेस्टीज आप लोग ले शार्प का वाटर प्यूरीफायर लेकर के आता है, जो कि आपके और आपके परिवार को पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा स्वच्छ पानी देने का वादा करता है। इसके साथ आप लोग शार्प का एयर प्यूरीफायर लेकर के आते हैं, जो कि आपके और आपके परिवार को पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा स्वच्छ पानी स्वच्छ हवा देने का वादा करता है। अब इसके बाद आती है हेल्थ फूड सेगमेंट की। दोस्तों, हेल्थ फूड सेगमेंट में जो पहला प्रोडक्ट आपके सामने आता है वो आता है आपका राइस ब्रैन ऑयल, जो कि आपका WHO प्रमाणित है, NIN प्रमाणित है, AHA प्रमाणित है, साथ साथ ही आपका एंटीऑक्सीडेंट और आपका गुड फैट से भरपूर है। इसके साथ आप लोग ऑलिव ऑयल लेकर के आते हैं, जो कि आपका ग्लूटेन फ्री है, GMO फ्री है, साथ साथ ये भी आपका एंटीऑक्सीडेंट और आपका गुड फैट से भरपूर है। आप लोग के लिए जीटा स्पेशल टी लेकर के आते हैं, जीटा टी बैग्स लेकर के आते हैं, जीटा कॉफी लेकर के आते हैं, जीटा गैनो कॉफी लेकर के आते हैं, मैक्स 2-in-1, जो कि आपके एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इसके साथ आप लोग के लिए हम लोग इनविगो का प्रोटीन पाउडर लेकर के आते हैं, जो कि आपको चॉकलेट के फ्लेवर में मिलता है, और इसके साथ ही आपका DHA और ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अच्छा स्रोत है, यानी कि अच्छा बहुत अच्छा सोर्स है और बच्चों के शारीरिक विकास में बहुत अच्छा मदद करता है। आप लोग हम लोग फ्रेश एनर्जी ड्रिंक लेकर के आते हैं इनविगो का, जो कि आपका विटामिन सी और जिंक का बहुत अच्छा स्रोत है। इसके साथ ये हमको ऑरेंज के डिलीशियस फ्लेवर में मिलता है और इंस्टेंट एनर्जी देने का हम लोगों को काम करता है। आप लोग चोको फ्लेक्सिस बार लेकर के आते हैं, और साथ ही साथ हम लोग ब्रेकफास्ट सीरियल्स लेकर के आते हैं। अगर हम लोग ब्रेकफास्ट सीरियल्स की बात करें तो हम जो हमारे आपके हाई न्यूट्रिशन जो आपका इनविगो का जो आपका ब्रेकफास्ट सीरियल्स है, ये हम लोगों को अच्छी मात्रा में प्रोटीन का स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट्स का है, फाइबर का है। इसके बाद जो हमारी अगली कैटेगरी आती है वो आती है ओरल केयर की, और ओरल केयर कैटेगरी में जो पहला प्रोडक्ट आपके सामने आता है वो आता है आपका माउथ वॉश। तो आप लोग के लिए माउथ वॉश लेकर के आते हैं, टूथपेस्ट लेकर के आते हैं, व्हाइटनिंग टूथपेस्ट लेकर के आते हैं। इसके साथ आपके लिए दो प्रकार के टूथब्रशेज लेकर के आते हैं, साथ साथ लेकर के आते हैं आपके गैरन टूथपेस्ट। ये प्रोडक्ट्स हम लोग के दांतों और मसूड़ी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने में हम लोग की मदद करते हैं। अब आ जाती है मेरे पर्सनल केयर सेगमेंट की, और पर्सनल केयर सेगमेंट में जो पहला सब सेगमेंट हमारे सामने आता है वो आता है आपका हेयर केयर का। हेयर केयर कैटेगरी में आप लोग के लिए हम लोग तीन प्रकार के शैम्पू लेकर के आते हैं, ऑयली बालों के लिए, डायडेमेज बालों के लिए, सभी प्रकार के बालों के लिए। आप लोग के लिए हेयर कंडीशनर लेकर के आते हैं, हेयर स्पा लेकर के आते हैं, हेयर ऑयल लेकर के आते हैं,
स्किन केयर कैटेगरी में आप लोग के लिए हम लोग फेस वॉश लाते हैं, एंटीजन नाइट क्रीम लाते हैं, फेस पैक लाते हैं, फेयरनेस क्रीम लेकर के आते हैं, स्क्रब लाते हैं, मसाज क्रीम लाते हैं, बीबी क्रीम लेकर के आते हैं, क्लिनजर टोनर लाते हैं, मॉइस्चराइजर लाते हैं, एसपीएफ 30 लेकर के आते हैं, इसके साथ शेविंग क्रीम लाते हैं, एक्वा जेल लेकर के आते हैं, टेनकलर फेस पैक लेकर के आते हैं। बॉडी केयर कैटेगरी में आप लोग के लिए बॉडी पॉलिश, बॉडी वॉश, बॉडी बटर, बॉडी लोशन लेकर के आते हैं, मेंस वुमेंस के लिए टेलकमर डिओड्रेंट लेकर के आते हैं, फुट क्रीम लाते हैं आपके लिए, परफ्यूम लेकर के आते हैं तीन फ्रेग्रेंस में, आर्कटिक ऑरा पल्स में, इसके साथ आप लोग के लिए हम लोग मॉइस्चराइजिंग सोप लाते हैं, कॉम्प्लेक्शन बाल आते हैं, हैंड वॉश लेकर के आते हैं, क्लिनजिंग बाल आते हैं, एश्योर का पॉकेट डियो लेकर के आते हैं तीन फ्रेग्रेंस में, और सेल्फ केयर में आप लोग के लिए हम लोग वेस्ट केयर की स्ट्रेस रिलीफ क्रीम लेकर के आते हैं। वुमेनाइजिंग कैटेगरी में वुमेनाइजिंग का ध्यान रखते हुए आप लोग के लिए हम लोग ड्यू गार्डिंग का फोमिंग इंटीमेट वॉश लेकर आते हैं, उसके साथ सैनिटरी नैपकिन लेकर के आते हैं। अब बारी आती है हमारी हाई वेस्ट रेंज की, जो कि हमारी होम केयर की रेंज है। इस कैटेगरी में अल्ट्रामेटिक लेकर के आते हैं आपके लिए कपड़ों की साफ सफाई के लिए, आप लोग अल्ट्रा शील्ड लेकर के आते हैं घर को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए, अल्ट्रा वॉश लेकर आते हैं लिक्विड डिटर्जेंट कपड़ों की साफ सफाई के लिए, अल्ट्रा स्क्रब लेकर के आते हैं बर्तनों की साफ सफाई के लिए, अल्ट्रा स्वैब लेकर के आते हैं फ्लोर की साफ सफाई के लिए, अल्ट्रा शाइन लेकर के आते हैं ग्लास की साफ सफाई के लिए, इसके साथ आप लोग हम लोग अल्ट्रा गार्ड लेकर के आते हैं टॉयलेट की साफ सफाई के लिए। अब बारी आती है आपकी एग्री कैटेगरी की। एग्री रेंज में आप लोग के लिए एग्री 82 लेकर के आते हैं, एग्री ह्यूमिक लाते हैं, एग्री बायोफंगिसाइड लेकर के आते हैं, एग्री मॉस लाते हैं, एग्री नैनोटेक लेकर के आते हैं, एग्री गोल्ड लेकर के आते हैं, और साथ साथ लेकर के आते हैं एग्री ह्यूमिक ग्रैनुल्स। ये प्रोडक्ट्स आप लोग की फसलों की पैदावार को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने में आप लोग की मदद करते हैं। इसके साथ जो हमारी खेत की जो मट्टी होती है, जो सॉइल होती है, उसकी उर्वरक क्षमता को भी प्राकृतिक रूप से बनाए रखने में हम लोग की मदद करते हैं। अब आ जाती है ट्रूमेन रेंज की, जो हमारी मेंस रेंज है। इस कैटेगरी में फेस वॉश लाते हैं, शेविंग जेल आते हैं, ट्रूमेन का बाथिंग बाल आते हैं, ट्रूमेन का डिओड्रेंट लेके आते हैं। अब बारी आती है आपके मिस्ट्रल ऑफ मिलान की, जो कि आपका कॉस्मेटिक रेंज है। तो मिस्ट्रल ऑफ मिलान कैटेगरी में आप लोग के लिए हम लोग कई प्रकार की लिपस्टिक लेकर के आते हैं, लिप ग्लॉस लाते हैं, आपके लिए डिफाइन लिप लाइनर लेकर के आते हैं, इसके साथ आप लोग के लिए लिप चबी लेकर के आते हैं, वाटरप्रूफ लिक्विड आई लाइनर लेकर के आते हैं, आई लाइनर लाते हैं पेंसिल में, इसके साथ डिफाइन काजल लेकर के आते हैं, आई लाइनर लाते हैं आपके लिए पेन में, साथ ही साथ मस्कारा लेकर के आते हैं, आई शेडो लेकर के आते हैं, कॉम्पैक्ट लूज पाउडर लेकर के आते हैं, लिक्विड फाउंडेशन लेकर के आते हैं आप लोग के लिए, ग्लो ब्लश लाते हैं, कंसील लाते हैं, मेकअप रिमूवर लेकर के आते हैं, इसके साथ आप लोग के लिए तीन प्रकार के नेल लक्कर लाते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर लेकर के आते हैं, साथ ही साथ आप लोग के लिए तीन प्रकार के ब्रशेस लेकर के आते हैं। अब आ जाती है स्किन फॉर्मला 9 की कैटेगरी की, जो कि हमारी प्रीमियम स्किन रेंज है। इस कैटेगरी में यूथ एलिक्सर लाते हैं आप लोग के लिए, हाइड्रेशन क्रीम लाते हैं, ब्लेमिश जेल लाते हैं, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट लेकर के आते हैं, डीप क्लींजिंग ऑयल लेकर के आते हैं, अंडर आई सीरम लेकर के आते हैं। अब बारी आती है आपके बेस्ट डील की। बेस्ट डील एक ऐसा ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म जहां से कि हम लोग हमारे घर के सामान की परचेस करते हैं। सामान लेने का फायदा 100% जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिलता है, पैन इंडेक्स पर डिलीवरी है, यानी कि सामान हम लोग घर पे भी मंगा सकते हैं, एक्टिव कस्टमर सर्विस है, ग्रेट डिस्काउंट्स है, इज रिटर्न पॉलिसी है, यानी कि सामान पसंद नहीं आया तो उसको हम लोग एज पर टर्म्स एंड कंडीशन उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। उसके साथ सबसे खास बात कि हम लोग यहाँ से जो भी सामान परचेस करते हैं वो अमाउंट, जितनी भी अमाउंट का सामान परचेस करते हैं वो अमाउंट यानी कि वो मूल्य, वो रकम हमारे बिजनेस में अकाउंट होती है और उसमें हम लोग को पीवी और बीवी दोनों मिलता है। हम लोग यहाँ से अपने घर के किसी भी सामान की परचेस कर सकते हैं, जिसमें कि आपका मोबाइल है, होम अप्लायंसेस है, हेल्थ केयर है, बैकपैक्स, मोबाइल एसेसरीज, फैशन एसेसरीज, क्लोथिंग, ड्राई फ्रूट, फुटवेयर, ट्रैवल एसेसरीज, या फिर घर का कोई सा भी सामान जिसमें कि आपका आटा, दाल, चावल, चीनी, तेल, मसाले वगैरह, वो सब सामान हम लोग यहाँ से परचेस कर सकते हैं। इस्तेमाल करना बहुत आसान है, या तो हम लोग वीबीडी का ऑफलाइन स्टोर यानी कि जो भी हमारे घर के पास में होगा वहां पे जाकर के अपने घर का सामान खरीद सकते हैं, या फिर हम लोग वीबीडी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने गूगल के प्ले स्टोर से या फिर अपने एप्पल के ऐप स्टोर से, उसके बाद अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर, डिस्ट्रीब्यूट आई डी से उसमें लॉग इन करना है, उसके बाद परचेज करनी स्टार्ट कर देनी है। और दोस्तों अब बात आती है हमारे मार्केटिंग प्लान की। मार्केटिंग प्लान एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा पार्ट जहां जो कि हम लोगों को बताएगा कि कैसे करके हम लोग अपने जीवन में आर्थिक बदलाव लेकर के आ सकते हैं, यानी कि कैसे करके हम लोग पैसा कमा सकते हैं और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो मार्केटिंग प्लान में आगे बढ़ते हुए फोर फोल्ड का बोनस मार्केटिंग प्लान लेकर के आते हैं आपके लिए, जो कि आपका एक्युमुलेशन के ऊपर बेसिस है, यानी कि ये जुड़ते हुए क्रम में है। यहाँ पे सिर्फ प्रमोशंस ही होते हैं, डिमोशंस नहीं होते, क्योंकि वेस्टीज के अंदर हम लोग हमेशा आगे की बढ़ने की ही बात कहते हैं। इसके साथ हम लोग कभी जीरो नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि जुड़ते हुए क्रम का बिजनेस है। हम लोग कभी रिक्वालीफाई भी नहीं करते हैं, क्योंकि एक लेवल जो एक बार क्वालिफाई कर दिया वो हमारा लाइफ टाइम बना ही रहता है। इसके साथ हम लोग को मिलता है डायरेक्टर बोनस, हम लोग को मिलता है लीडरशिप बोनस, और कभी कंपनी हम लोगों से रिन्यूअल फीस भी नहीं मांगती, क्योंकि जब ज्वाइनिंग फीस नहीं है तो रिन्यूअल फीस किस बात की। इसके साथ ये बना है किस लिए, बना है सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, बना है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। यहाँ पे मिलती है हम लोग को 7 प्रकार की आमदनी, यानी कि 7 वेज ऑफ इनकम। सबसे पहले आती है सेविंग ऑन कंजप्शन, उसके बाद मिलता है एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, फिर मिलता है डायरेक्टर बोनस, फिर मिलता है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, फिर मिलता है हम लोग को ट्रैवल फंड, उसके बाद कार फंड, और उसके बाद हम लोग को मिलता है हाउस फंड। यानी कि ये 7 प्रकार की आमदनियां हैं जो हम अपने घर लेकर के जा सकते हैं। देखते हैं कि कैसे लेकर के जा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली आमदनी आपके सामने आती है सेविंग ऑन कंजप्शन।
जब भी हम लोग बात करते हैं सेविंग ऑन कंजप्शन की, तो सेविंग ऑन कंजप्शन का हिंदी में मतलब होता है खपत पर बचत। तो सवाल उठता है कि किस चीज की खपत और किस चीज की खपत के ऊपर बचत। तो दोस्तों हम लोग घर में लगातार कुछ ना कुछ सामान इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम लोग टूथपेस्ट रोज इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाने का तेल करते हैं, चाय पत्ती करते हैं, शैम्पू कंडीशनर क्रीम पाउडर, ये सारे सामान हम लोग डेली घर में इस्तेमाल करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी जरूरत है। अगर हम लोग सुबह उठेंगे तो ब्रश करेंगे तो हमको पेस्ट चाहिए, चाय पियेंगे चाय पत्ती चाहिए, जिस कप में चाय पियेंगे उस कप को साफ करने के लिए बर्तन का लिक्विड चाहिए, नहाएंगे तो नहाने का हमको साबुन चाहिए, कपड़े धोलेंगे तो कपड़े धोने का पाउडर चाहिए, घर में साफ सफाई होती है तो उसके लिए टॉयलेट क्लीनर चाहिए होता है आपका, बाकी आपका जो फ्लोर क्लीनर होता है वो चाहिए होता है, ग्लास क्लीनर होता है वो चाहिए होता है। ये होता है हम लोग घर से बाहर निकलेंगे किसी पार्टी में गए तो ऑब्वियसली जो भी हम लोग को तैयार होना है तो उसके लिए हम लोग को कलर कॉस्मेटिक चाहिए, यानी कि हम लोग को कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स चाहिए, किसी को डिओड्रेंट चाहिए, किसी को और कुछ आइटम चाहिए, और ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हम लोग लगातार खरीदते हुए आ रहे हैं। कहाँ से खरीदते हुए आते थे? हम लोग आते थे किसी दुकान से, किसी कंपनी का, और जिस भी दुकान से हम लोग सामान लेते थे वहां से हमको सामान मिलता है किसमें? मिलता है हम लोग को एमआरपी पे। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि वो मूल्य जो कि आपका अंकित होता है, मुद्रित होता है उस प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद के ऊपर, यानी कि हम लोग को मिलता है एमआरपी पे, यानी कि दुकानदार हमको किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं देता, दे भी नहीं सकता, अगर देगा तो वो खाएगा क्या, कमाएगा क्या, ऑब्वियसली बात है। और जिस भी कंपनी का हम लोग सामान लेते हैं वो कंपनी भी हमको कोई डिस्काउंट नहीं देती, यहाँ तक कि वो कंपनी कभी हम लोग को थैंक यू भी नहीं बोलती। इनफैक्ट कभी अगर हम लोगों ने सामान लिया हो किसी और दुकान में खड़े होकर के और वहां पे अगर बगल में कंपनी का सेल्समैन भी खड़ा होगा तो वो भी हमको कभी थैंक यू नहीं बोलता, फिर भी हम लोग सामान लेते हैं क्योंकि सामान हमारी जरूरत है, उन सामानों के बिना हम लोग अपने जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते। अब हम लोगों को एक अवसर मिलता है और अवसर मिलता है दुकान बदलने का, सिर्फ एक दुकान बदलने का, मतलब हमको सिर्फ अपनी दुकान बदलनी है और यही सब सामान हमको लेना है कहाँ से? हमको लेना है वेस्टिज की दुकान से, यानी कि हम लोगों ने समझदारी वाला काम किया और काम ये किया कि हमने अपनी दुकान बदली और दुकान बदलने के बाद सामान लेना शुरू किया वेस्टिज से। यही सब सामान वेस्टिज सामान देता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे, यानी कि डिस्काउंट पे, और जो डिस्काउंट आता है ये आता है 10-20%। और आमतौर पर हम लोग महीने का सामान कितने का लेते होंगे घर का? वैसे वो डिपेंड करता है कि परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, छोटा परिवार है तो हो सकता है 2-3 हजार रुपए, थोड़ा सा और बड़ा है तो हो सकता है कि आपका 5-7 हजार रुपए, उससे बड़ा परिवार है तो हो सकता है 15-20 हजार रुपए। तो ऑन एन एवरेज हम लोग उसको 5 हजार रुपए मान के चल सकते हैं कि हम लोग महीने का 5 हजार रुपए का सामान लेते हैं। तो आज तक क्या किया, हम लोग बाजार गए लिस्ट बना करके 5 हजार रुपए मूल्य का सामान हम लोग 5 हजार रुपए मूल्य में ही लेकर के आ गए। लेकिन फिर हमने काम किया एक, हमने अपनी दुकान बदली और दुकान बदलने के बाद सामान लेना शुरू किया वेस्टिज से। लिस्ट यहाँ पे भी बनाएंगे लेकिन जब सामान लेना शुरू करेंगे हम लोग वेस्टिज से, तो वेस्टिज ने हमको सामान दिया डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे। ध्यान दीजिएगा सामान सब कुछ वही है, चाय पत्ती है, खाना बनाने का तेल है, जो बाकी के हमारे घर में डेली रूटीन में जो हम लोग सामान इस्तेमाल करते हैं सामान सब कुछ वही है, लेकिन जब सामान लिया हम लोगों ने वेस्टिज से तो वेस्टिज ने दिया डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे, यानी डिस्काउंट पे, और ये डिस्काउंट है आपका 10-20%। इस 10-20% को अगर हम लोग एवरेज माने 15%, तो 5 हजार रुपए की खरीद में हम लोगों ने पहले महीने में बचाए हैं 15×75, यानी कि 750 रुपए। इस 750 रुपए का भी अगर हम लोग मोटा मोटा मानते हैं 700 रुपए, तो दोस्तों एक साल में हम लोगों ने उसी सब सामान की खरीद में बचाए हैं 1284, यानी कि 8400 रुपए, यानी कि 8400 रुपीज हम लोगों ने कमाया है, बचाया है क्या करके, सिर्फ एक काम करके। वो काम था हमारा, काम है हमारा दुकान चेंज करने का, दुकान बदली, सामान लेना शुरू किया वेस्टिज से, वही सब सामान जो आज की तारीख तक हम लोग किसी ना किसी दुकान से लेते हुए आ रहे थे, किसी और कंपनी का, इतने सालों से लगातार लेते हुए आ रहे हैं, और उसमें कभी हम लोगों को एक पैसे का डिस्काउंट नहीं मिला। लेकिन जब वही सामान हम लोगों ने लिया वेस्टिज से, यहाँ पे हम लोगों ने एक साल में कमाया 8400 रुपए, और वो क्या करके? सिर्फ दुकान चेंज करके। और यहाँ पे आती है हमारी पहली आमदनी, जिसको कि हम लोग कहते हैं खपत पे बचत, यानी कि सेविंग ऑन कंजप्शन। उसके बाद आज तक हमने जो भी सामान लिया किसी और दुकान से, किसी और कंपनी का, कभी आपने एक चीज नोटिस करी है कि वहां पे सामान के इस्तेमाल के साथ ही हम लोगों का पैसा खत्म हो जाता है? अगर यकीन है तो हम लोग अभी देख लेते हैं। आपने कभी ना कभी कोई ना कोई टूथपेस्ट लिया होगा किसी और कंपनी का, किसी और दुकान से, भले ही आपने 50 का लिया, 100 का लिया, लेकिन आपने अपनी गाड़ी कमाई लगा करके टूथपेस्ट खरीदा, उसके बाद जैसे ही सवेरे आपने पेस्ट किया तो आपका पैसा कहाँ गया? बिल्कुल सही, नाली के पानी के साथ बह गया। आप कोई सा भी उत्पाद उठा के देख लीजिए, चाहे वो आपका बर्तन मांजने का लिक्विड हो, चाहे आपकी चाय पत्ती हो, चाहे नहाने का साबुन हो, कपड़े धोने का पाउडर हो, चाहे आपका खाना बनाने का तेल हो, आपको कोई सा भी प्रोडक्ट XYZ जो भी आपका प्रोडक्ट आपने किसी और दुकान से जाकर के लिया था, अब तक लेते हुए आ रहे थे, सामान के इस्तेमाल के साथ ही उन सब का पैसा खत्म हो जा रहा था। लेकिन जब आप वही सामान लेना शुरू किया आपने वेस्टिज से, तो वेस्टिज ने आपको सामान दिया डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे, यानी कि डिस्काउंट पर। वहां से आई हमारी पहली आमदनी, जिसको हमने कहा खपत पे बचत, यानी कि सेविंग ऑन कंजप्शन। उसके बाद जितने भी मूल्य का, यानी कि जितने भी अमाउंट का हम लोगों ने सामान लिया, उस अमाउंट को कन्वर्ट किया गया पीवी में, और वहां से आई हमारी दूसरी आमदनी, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, यानी कि कार्य क्षमता भत्ता, यानी कि हम लोग सामान का इस्तेमाल करेंगे अलग और अपने साथ घर आमदनियां लेकर के जाएंगे अलग। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स आते हैं जिनके माध्यम से हम लोग को दूसरी आमदनी मिलना शुरू होती है।
अगर हम लोग स्लैब की बात करें तो जब हम लोग आते हैं 1 से 500 पीवी के बीच में तो हम लोग को आमदनी मिलती है 5% के हिसाब से, 500 से 2000 आमदनी मिलती है 8% के हिसाब से, 2000 से 4500 आमदनी मिलती है 11% के हिसाब से, 4500 से 7500 आमदनी मिलती है 14% के हिसाब से, 7500 से 10000 आमदनी मिलती है 17% के हिसाब से, और 10000 एक के ऊपर आमदनी मिलना शुरू होती है हम लोग को 20% के हिसाब से। अब जो नया दोस्त होगा, जो नया व्यक्ति होगा, वो सोच रहा होगा कि मैं कब 10000 एक पीवी करूंगा और मैं कब 20% के हिसाब से आमदनी लेना शुरू करूंगा। तो आपकी इस समस्या को भी हम लोग आसान बनाते हैं और आपके लिए लेकर के आते हैं भारत का पहला एक्युमुलेशन का प्लान। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं कि जब हमने पहले महीने काम किया 2500 पीवी का, तो हमारा एक्युमुलेटिव पीवी कितना हुआ, पहला महीना है 2500 ही हुआ, स्लैब आया 11% पे, आमदनी आई 4950 रुपए पे। दूसरे महीने हमने दोबारा 2500 पीवी का काम किया, एक्युमुलेटिव पीवी हो गया 5000। कैसे हुआ, पिछले महीने का 2500 धन यानी कि प्लस इस महीने का 2500 जुड़ते हुए क्रम में है, इसलिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5000। स्लैब एकदम से जंप मार के आ गया 14% पे, आमदनी बढ़कर के आ गई 6300 रुपए पे। तीसरे महीने दोबारा 2600 पीवी का काम किया, एक्युमुलेटिव पीवी हो गया 7600, मतलब 2500 धन 2600 यानी कि तीनों महीने का मिलाकर के हो गया एक्युमुलेटिव पीवी 7600। स्लैब आ गया 17% पे, आमदनी बढ़ के आ गई 7956 रुपए पे। चौथे महीने दोबारा 2500 पीवी का काम किया, एक्युमुलेटिव पीवी हो गया 10100, स्लैब आ गया 20% पे, आमदनी बढ़ के आ गई हमारी 9000 रुपए पे। तो आप लोग देख रहे हैं कि काम लगातार उतना ही चल रहा है, हम लोग काम लगातार उतना ही कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा पैसा है, जो हमारी आमदनी है, जो हमारी इनकम है, वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो ये पावर है हमारे एक्युमुलेशन के प्लान की, जो वेस्टिज लाया भारत में पहली बार सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के लिए। इसके बाद जैसे ही हम लोग 20% का स्लैब पार करते हैं और उसके बाद एक सिंगल बिजनेस मंथ में हम लोग बिजनेस जनरेट करते हैं 2001 पीवी का, तो हम लोग का लेवल होता है डायरेक्टर का। हम लोग बनते हैं डायरेक्टर और यहाँ पे हम लोग बनते हैं कंपनी के बिजनेस पार्टनर्स यानी कि कंपनी के हिस्सेदार, और यहाँ से हमको कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदारी मिलना शुरू हो जाती है। यानी कि जैसे हम लोगों ने 20% का स्लैब पार किया उसके बाद एक सिंगल बिजनेस मंथ में हम लोगों ने बिजनेस जनरेट किया 2001 पीवी का, तो हम लोग का लेवल होता है ब्रोंज का, हम लोग बनते हैं ब्रोंज डायरेक्टर और यहाँ पे हमको कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदारी मिलना शुरू हो जाती है। यहाँ पे आती है तीसरी आमदनी हम लोग को मिलती है डायरेक्टर बोनस के रूप में, और डायरेक्टर बोनस की खास बात ये कंपनी के टोटल ग्लोबल टर्नओवर का 14% होती है जो कि कंपनी हम लोग को डायरेक्टर बोनस के रूप में देती है। उसके साथ डायरेक्टर बोनस की खास बात और कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, तरक्की करते रहते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स जो हमारे पड़ाव है उनको पार करते रहते हैं, वैसे वैसे हम लोग को डायरेक्टर बोनस हमारी टीम के मैन के डेप्थ में से मिलना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि एक ऐसा एक फलदार पेड़ की एक ऐसी जड़ें हैं जो कि नीचे धरती से आपका उर्वरक क्षमता यानी कि जो आपकी जो उर्वरक जो आपकी पोटेंशियल जो आपके उपज जो खनिज है उनको उठा उठा करके ऊपर देती रहती है, और उसके बाद वृक्ष जिस प्रकार से लहलाता है उसी प्रकार से डायरेक्टर बोनस हम लोग को मिलता है। यानी कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, नए नए पड़ाव यानी कि नए नए लेवल्स अचीव करते रहेंगे, वैसे वैसे हम लोग को डायरेक्टर बोनस डाउन द लाइन मिलना स्टार्ट होता रहेगा। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जब हम लोग अपनी टीम में एक व्यक्ति को 2001 पीवी के साथ सफल बनाते हैं और अपनी बाकी की 90% टीम के साथ बिजनेस जनरेट करते हैं 1801 पीवी का एक सिंगल बिजनेस मंथ में, तो हम लोग का लेवल होता है सिल्वर का। और दोस्तों जब हम लोग बनते हैं सिल्वर डायरेक्टर तो यहाँ पे हमको एक नई आमदनी मिलना और शुरू होती है। इस आमदनी का नाम ट्रेवल फंड। ट्रेवल फंड की खास बात ये कंपनी का टोटल ग्लोबल टर्नओवर का 3% होता है जो कि कंपनी हम लोग को ट्रेवल फंड के रूप में देती है, और ट्रेवल फंड हम लोग इस्तेमाल करते हैं विदेश यात्रा के लिए। साल में दो बार, एक आपका जनवरी फरवरी और आपका जुलाई अगस्त में वेस्टिज परिवार के सदस्य लगातार निरंतर ट्रेवल फंड के माध्यम से विदेश यात्रा करते हुए आ रहे हैं। और ट्रेवल फंड की खास बात और कि आप चाहते हैं कि आपके साथ आपके फैमिली मेंबर्स भी आपके साथ जाएं, यानी कि आपके परिवार के सदस्य भी आपके साथ जाएं, और आपके ट्रेवल फंड अकाउंट में अच्छी खासी अमाउंट जमा है, तो आपको बस एक एप्लीकेशन लिखनी है मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट उसको एक्सेप्ट कर लेती है। आपको उसके बाद अपने परिवार के डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं और आप ही के ट्रेवल फंड अकाउंट के माध्यम से आप अपने साथ अपने परिवार के सदस्यों को विदेश यात्रा में लेकर के जा सकते हैं। और देखते हैं कि आज की तारीख तक वेस्टिज परिवार के सदस्य यानी कि वेस्टिज परिवार कहाँ कहाँ विदेशों को घूम करके आ चुका है। तो आज तक हम लोग दुनिया के हर कोने या फिर कह सकते हैं कि पूरी दुनिया हम लोग घूम करके आ चुके हैं, जिसमें कि आपका स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, ताशकंद, मकाऊ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, एम्स्टर्डम, पेरिस, बीजिंग, रशिया, बाली, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेट, थाईलैंड, यानी कि सारी सारी लोकेशंस वो हैं जो जहां पे कि हम लोग लगातार विदेश यात्रा करते हुए आ रहे हैं इस ट्रेवल फंड के माध्यम से। और यहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही काम किया था, वो काम था दुकान चेंज करने का। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक आमदनी हमारा और इंतजार कर रही होती है इसको लेने के लिए। जब हम अपनी टीम में 3 लोगों को सफल बनाते हैं 2001 पीवी के साथ और अपनी बाकी के 90% टीम के साथ हम लोग बिजनेस जनरेट करते हैं 1001 पीवी का एक सिंगल बिजनेस मंथ में, तो हम लोग का लेवल होता है स्टार का। और जब इस लेवल को दोस्तों हम लोग मेंटेन करते हैं 3 महीने लगातार, तो हम लोग को एक आमदनी मिलती है। उस आमदनी को हम जानते हैं कार फंड के नाम से। और कार फंड की खास बात
कि ये कंपनी के टोटल ग्लोबल टर्नओवर का 5% होता है जो कि कंपनी कार फंड के रूप में देती है। साथ साथ कार फंड की खास बात और कि कार फंड हम लोग महीने का 80,000 रुपए तक ले सकते हैं, यानी कि 80,000 रुपए तक हम लोग कार फंड के रूप में ले सकते हैं ताकि हम लोग अपनी सपनों की कार ले सकें। और दोस्तों जब 80,000 रुपए कार फंड के रूप में आएगा तो कौन सी कार आनी चाहिए आप मेरे को बता सकते हैं? और बात करें हम लोग इस कार फंड की, तो इसी कार फंड के माध्यम से वेस्टिज परिवार में लगभग 7,000 परिवार के सदस्य ऐसे हैं जो कि अपनी खुद की सपनों की कार फंड के माध्यम से मेंटेन कर रहे हैं। और इसी परिवार में 300 परिवार के सदस्य ऐसे हैं जो कि अपनी खुद की लग्जरी कार यानी कि BMW, ऑडी, मर्सिडीज जैसी कार इस कार फंड के माध्यम से मेंटेन कर रहे हैं। और आने वाले समय में जब इस कार फंड के माध्यम से आपके घर में खुद आपकी एक जो आपकी सपनों की कार है वो आएगी, चमचमाती हुई कार, आइदर लग्जरी या फिर जो भी आपको पसंद है वो कार, सोचिए जब वो आपकी पार्किंग एरिया में या फिर आपके आपके पोर्च के नीचे या फिर जहां पे भी आप उसको खड़ा करना चाहें, पार्क करना चाहें, वहां पे जब वो कार खड़ी होगी एक बिल्कुल लग्जरी मतलब आपकी बिल्कुल चमचमाती हुई नई कार, तो सोचिए उस दिन आपको कितना अच्छा लगेगा, वाकई में बहुत अच्छा लगेगा, अपने पे प्राउड फील होगा। और ऑब्वियसली और हमारे पड़ोसियों को कैसा लगेगा, रिश्तेदारों को मिठाई बांट रहे होंगे, ढोल बजा रहे होंगे। चलिए अच्छी बात है कि कुछ दोस्तों के पड़ोसियों को अच्छा लगा, कुछ दोस्तों के पड़ोसियों को बुरा लगा, लेकिन एक मैं आप लोगों से बात पूछना चाहूंगा कि क्या किसी के अच्छा या बुरा लगने से हम लोगों का बिजनेस बढ़ता है? हम लोगों का बिजनेस नहीं बढ़ता। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही, हम लोगों को उनको अपने साथ में लेकर के आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वेस्टिज के अंदर हम लोग दो बात कहते हैं। पहली बात ये कि हम लोग हर एक उस व्यक्ति की मदद करेंगे जो कि अपने सपने को पूरा करना चाहता है, और दूसरी बात ये कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। लेकिन मानिए जिस दिन आपके पड़ोसी आपके रिश्तेदार आपके से सफल होंगे, उनके अपने घर में गाड़ी आएगी, उस दिन आप लोगों का पे आउट, आप लोगों का चेक, आप लोगों का पैसा, आप लोग की आमदनी इतनी ज्यादा होगी कि आप एक दो गाड़ तो छोड़ो, आप अपने घर के बाहर लग्जरी कारों की लाइनें लगा सकते हो। बस सोचने की आप हिम्मत तो करो, और यकीन मानिए असली मजा उस दिन आएगा जिस दिन आपकी गाइडेंस के दम पे, आपकी लीडरशिप क्वालिटी के दम पे आपके पड़ोसी उस तरह की गाड़ियां यहाँ पे खड़ी होंगी। यकीन मानिए दिन बहुत दूर नहीं है, दिन बहुत जल्द आएगा। इसके साथ जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आमदनी हमारा और वेट कर रही है। जब हम लोग अपनी टीम में 6 लोगों को 2021 के साथ सफल बनाते हैं तब हम लोग का लेवल होता है क्राउन का, और जब हम लोग बनते हैं क्राउन डायरेक्टर और इस लेवल को लगातार 3 महीने मेंटेन करते हैं तब हम लोग को हाउस फंड मिलना स्टार्ट होता है। हाउस फंड की खास बात, ये कंपनी के टोटल ग्लोबल टर्नओवर का 3% होता है जो कि कंपनी हम लोग हाउस फंड के रूप में देती है। साथ साथ हाउस फंड की खास बात और कि हाउस फंड हम लोग महीने का 1,00,000 रुपए तक ले सकते हैं, यानी कि 1,00,000 रुपए तक हम लोग महीने का ले सकते हैं ताकि हम लोग अपना सपनों का घर बना सकें। इसके साथ एक आमदनी हम लोग, इसके साथ अगर हम लोग बात करें हाउस फंड की, तो हाउस फंड की खास बात और है कि भगवान ना करे अगर हमारी 1,00,000 ने काम करना बंद कर दिया तो भी हम लोग को हाउस फंड आता है, दूसरी ने काम करना बंद कर दिया तो भी हाउस फंड आता है, तीसरी ने काम करना बंद कर दिया तो भी हम लोग को हाउस फंड आता है, यहाँ तक कि अगर 4th ने काम करना बंद कर दिया तो भी हम लोग को हाउस फंड आता है, क्योंकि हाउस फंड हम लोग के लिए ऐसी आमदनी है जो एक बार शुरू हो गई तो हमारे लाइफ टाइम चलती ही रहती है। इसके साथ एक आमदनी हम लोग की और भी आती है जिसको हम लोग जानते हैं लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस के नाम से, या फिर हम लोग उसको कहते हैं रॉयल्टी की इनकम, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं लाइफ ऑफ बिजनेस। ये आमदनी हम लोग को मिलती है हमारी टीम के काम करने से। तो आमतौर पर देखा है पैसा कमाने का तरीका कि या तो हम लोग खूब सारे पैसे इकट्ठे करके किसी इंडस्ट्री को, किसी बिजनेस को सेटअप करें, उसके बाद उस बिजनेस के मुनाफे में आने का वेट करें, या फिर हम लोग दूसरा काम ये कर सकते हैं कि हम लोग अपने समय को इन्वेस्ट करें और अपने साथ लोगों को जोड़ना स्टार्ट करें और उन लोगों की टीम बनाना स्टार्ट करें। और उस टीम में जब हम लोग लगातार लोगों को सफल बनाना शुरू कर देते हैं तो उन सफल लोगों के काम करने से जो आमदनी हम लोगों को मिलती है उसी आमदनी को हम लोग जानते हैं लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस के नाम से, यानी कि एलओबी के नाम से। अगर हम लोग बात करें एलओबी की, तो एलओबी हम लोग सिल्वर लेवल से लेना स्टार्ट कर सकते हैं इसके लिए। और ऑब्वियसली सिल्वर हम लोग तब बनते हैं जब हम लोग एक सिंगल बिजनेस मंथ में हमारे डाउन में एक क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर होता है, सफल ब्रोंज डायरेक्टर होता है, और हम लोग अपनी साइड मेंटेन करते हैं 1801 पीवी के साथ, यानी कि हम नॉन 20% टीम से बिजनेस जनरेट करते हैं 1801 पीवी का। इसके साथ जब हमारी डायरेक्टर लेग, यानी कि जो हमारे नीचे सफल डायरेक्टर है, उस लेग से जब हम लोग को 5625 पीवी आना स्टार्ट हो जाता है तो वहां से हम लोग को एलओबी मिलना स्टार्ट हो जाती है। एलओबी की खास बात कि ये कंपनी के टोटल ग्लोबल टर्नओवर का 15% होती है जो कि कंपनी हम लोग को एलओबी के रूप में देती है। साथ साथ हर लीडर के पे आउट का लगभग 70% भाग उसको एलओबी के माध्यम से ही मिलता है। तो दोस्तों यहां तक देखा कि किस प्रकार से हम लोग अपने जीवन में आर्थिक बदलाव लेकर के आ सकते हैं, और इन सब कामों को करने के लिए हमको सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा और वो काम है हमारा दुकान चेंज करने का, यानी कि दुकान बदलने का। क्योंकि सामान हम लोग बाहर से भी लेते हैं और बाहर से भी ले रहे थे, लेकिन जो भी लोग सामान बाहर से ले रहे थे या फिर अभी भी बाहर से ले रहे हैं, क्या उनको लगता है कि हाँ बाहर से सामान लेने में आपको कोई ऐसा मौका मिलता है, कोई ऐसा अवसर मिलता है जहां से कि आप अपनी काबिलियत सिद्ध कर सको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिलता। बाहर से सामान लेने में हम लोग को ऐसे कोई आमदनी का मौका नहीं मिलता, लेकिन जब वही सामान हम लोग लेने शुरू करते हैं वेस्टिज से, तो वेस्टिज हम लोग को एक मौका देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक अवसर देता है जहां से कि हम लोग अपने
काबिलियत को सिद्ध कर सकते हैं अपने साथ, सात प्रकार की आमदनियां घर लेकर के जा सकते हैं। सबसे खास बात, सबसे मेन बात ये कि हम लोग अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक था हमारा बेहतरीन मार्केटिंग प्लान, जिसमें कि हम लोगों ने समझा कि कैसे करके हम लोग अपने जीवन में आर्थिक बदलाव लेकर के आ सकते हैं, अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ इस बिजनेस प्लान की खास बात और, ईश्वर न करे, भगवान न करे, जिसके नाम पे बिजनेस चल रहा है, अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाए तो ये ट्रांसफर जाता है नॉमिनी के नाम पे, नॉमिनी के बाद उनके बच्चों के नाम पे, और उसके बाद उनके बच्चों के नाम पर। यही वजह है कि हम लोग इसको जनरेशन प्लान के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा लगाया कि एक ऐसा पेड़ है जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ियां अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत और महफूज महसूस कर सकती है। लेकिन मानिए इन सब काम को करने के लिए सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, एक छोटा सा हम लोग को स्टेप उठाना पड़ेगा, और वो स्टेप ये है कि हम लोग को अपनी दुकान बदलनी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ तक था हमारा आज का CNT प्रोग्राम, जहाँ पे कि हम लोगों ने कंपनी के बेहतरीन प्रोफाइल के बारे में समझा, जबरदस्त प्रोफाइल के बारे में समझा, अपने विश्व स्तरीय उत्पादों के बारे में समझा, जाना कि कैसे करके इनको इस्तेमाल करके हम लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, और कैसे करके इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके हम लोग, साथ ही साथ मार्केटिंग प्लान में हम लोगों ने समझा कि कैसे करके सिर्फ एक दुकान बदल के, यानी कि एक वेस्टिज की दुकान से सामान लेने के बाद हम लोग अपने जीवन में आर्थिक बदलाव लेकर के आ सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज आपके साथ एक खुशखबरी शेयर करनी है, और खुशखबरी ये है कि जो हमारे वेस्टिज विभाग के सदस्य हैं उन सबके खुशखबरी ये है आप लोगों के लिए कि मई 2020 में दोबारा डबल PV स्कीम आप लोगों के लिए कंपनी लेकर के आ गई है। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि वेस्टिज एक ऐसी कंपनी है जिसके लिए कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के हित सर्वोपरि होते हैं, यानी कि हम लोगों की डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट की पॉलिसी है, और आप लोगों को लगातार आप लोगों को फायदा हो, आप लोगों का बिजनेस बढ़े, आप लोगों का चेक बढ़े, आप लोगों का पेआउट बढ़े, इसके लिए वेस्टिज मैनेजमेंट लगातार निरंतर प्रयास रहता है। और इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के लिए दोबारा हम लोग लेकर के आए हैं डबल पीवी स्कीम, जो कि आपका मई 2020 की अगर हम लोग बात करें तो 21 मई से शुरू हो चुकी है, यानी कि आज से शुरू हो चुकी है, और 27 मई 2020 तक ये स्कीम चलेगी। यानी कि हम लोग डबल पीवी का फायदा उठा सकते हैं और अपने बिजनेस को और अपने चेक्स को नई ऊंचाइयों में लेकर के जा सकते हैं। अगर हम लोग बात करें दोस्तों की टर्म्स एंड कंडीशन की, तो टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सिंपल है। हम लोगों को ये आपकी डबल पीवी स्कीम जो है आपकी सिंगल इनवॉइस में है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि डबल पीवी हम लोग कैसे करके अवेल कर सकते हैं। जब हम लोग परचेस करते हैं एक सिंगल इनवॉइस में 2000 से लेकर के 4000 रुपए तक, यानी कि 2000 रुपए से लेकर 4000 रुपए के बीच में जब हम लोग परचेस कर तक का हम लोग जब एक सिंगल इनवॉइस में परचेस करते हैं, या फिर हम लोग शार्प का एयर प्यूरिफायर परचेस करते हैं 21 मई से 27 मई के बीच में, तो उसमें हम लोग को डबल पीवी मिलेगा। टर्म्स एंड कंडीशन की डिस्ट्रीब्यूटर्स कैन ओनली अवेल डबल पीवी ऑफर ऑन अ सिंगल इनवॉइस। हमको इस चीज का ध्यान देना है कि आज का हमारा जो भी इनवॉइस हो इस अमाउंट का, वो सिंगल इनवॉइस हो। 2000 से 4000 तक का हम लोग जो भी बिल कटवाएं वो हमारा सिंगल इनवॉइस हो, और ऑब्वियसली जो भी सिंगल इनवॉइस होगा उसमें हम लोग डबल पीवी हम लोग को मिलेगा इस अमाउंट के बीच का। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आपका रिपर्चेज के ऊपर ही वैलिड है, यानी कि एक रिपर्चेज ऑफर है, इस चीज का भी ध्यान दीजिएगा। डबल पीवी कैन ओनली बी अवेल्ड ऑन द फर्स्ट इनवॉइस ऑफ फ्रॉम 21 मई टू 27 मई 2020, आइदर ऑन एन इनवॉइस ऑफ 2000 टू 4000 और ऑन एन इनवॉइस ऑफ शार्प एयर प्यूरिफायर। ध्यान दीजिएगा कि डबल पीवी हम लोग को मिलेगा किसमें, पहले इनवॉइस में मिलेगा जो कि हमारा 21 से 27 मई 2020 के बीच में होगा, ऑब्वियसली वो रिपर्चेज का इनवॉइस होगा। उसमें या तो हम लोग 2000 से 4000 के बीच की परचेस करके, खरीदारी करके एक सिंगल इनवॉइस में डबल पीवी ले सकते हैं, या फिर हम लोग शार्प का एयर प्यूरिफायर बिल करके डबल पीवी ले सकते हैं। इन दोनों में से जो भी इनवॉइस पहला होगा, रिपर्चेस का जो भी पहला इनवॉइस होगा उसमें हम लोग डबल पीवी ले सकते हैं। इसके बाद सबसे खास बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी इनवॉइस शिफ्ट नहीं होगी, इसके साथ कोई भी इनवॉइस कैंसिल नहीं होगी इस टाइम फ्रेम के बीच में, यानी कि इस पीरियड के बीच में जब तक स्कीम चल रही है तब तक कोई भी इनवॉइस कैंसिल नहीं होगी। साइट मेंटेनेंस हम लोग डबल पीवी के माध्यम से कर सकते हैं। अब हमारे बीच कोई नया ज्वाइनिंग है जिसने अब तक परचेज नहीं करी है, या फिर इस बीच में कोई जो भी नई ज्वाइनिंग्स लगेगी, तो पहले हम लोग उनकी आईडी ग्रीन करेंगे, और आईडी ग्रीन करने के बाद रिपर्चेज ऑफर के तहत हम लोग उनका रिपर्चेज बिल के तहत हम लोग उनका ऑर्डर के तहत इस स्कीम का डबल पीवी का फायदा ले सकते हैं। अगला टर्म्स एंड कंडीशन कि शार्प एयर प्यूरिफायर विल बी कोरियर्ड आफ्टर द लॉकडाउन इज लिफ्टेड इन द रिस्पेक्टिव टेरिटरीज, यानी कि शार्प का एयर प्यूरिफायर जो है वो आपको कोरियर के माध्यम से जब जो भी हमारी रिस्पेक्टिव टेरिटरीज है वहां पे जब लॉकडाउन उठ जाएगा तो उसमें हम लोग को डिलीवर हो जाएगा। ऑल ऑनलाइन ऑर्डर्स शैल बी डिलीवर्ड आफ्टर द लॉकडाउन इज ओवर और एज पर द एग्जिस्टिंग सिस्टम, यानी कि जितने भी ऑनलाइन ऑर्डर्स हम लोग लगाएंगे वो भी ऑब्वियसली हम लोग को कब मिलेंगे, लॉकडाउन लिफ्ट होने के बाद मिलेंगे, या फिर जैसे भी हम लोग के यहाँ
व्यवस्था चल रही है उस हिसाब से हम लोग उसको वो डिलीवर हो जाएंगे। एलओबी के लिए 5625 पीवी हम लोग को एक्चुअल करना है, यानी कि एलओबी हम लोग को एक्चुअल 5625 पीवी में ही मिलेगी। डबल पीवी के माध्यम से हम लोग फास्ट डायरेक्टर लेवल अचीव कर सकते हैं। इसके साथ ब्रॉन्ज डायरेक्टर एंड उसके ऊपर के जितने भी आपके लेवल्स हैं वो सब लेवल्स हम लोग डबल पीवी के माध्यम से अचीव कर सकते हैं। डबल पीवी टू बी कंसिडर्ड फॉर अचीविंग लेवल्स ओनली, यानी कि डबल पीवी सिर्फ और सिर्फ लेवल्स के अचीवमेंट के लिए ही मान्य होगा। फास्ट स्टार्ट 8 लेवल को भी हम लोग डबल पीवी के माध्यम से अचीव कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर फास्ट स्टार्ट आपका फास्ट स्टार्ट 8% अगर आपका डबल पीवी के माध्यम से हुआ तो ऑब्वियसली उसमें फिर प्रोडक्ट वाउचर हम लोग को नहीं मिलेगा। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर के लिए वैलिड है। डबल पीवी विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर कंसिस्टेंसी ऑफर, ऑब्वियसली डबल पीवी कंसिस्टेंसी ऑफर के लिए कंसिडर नहीं की जाएगी। हम लोग को कंसिस्टेंसी जो हमारी एक्चुअल पीवी के माध्यम से हम लोग को पूरी करनी पड़ेगी, यानी कि अगर हम लोग 100 पीवी की कंसिस्टेंसी कर रहे हैं तो हम लोग को 100 पीवी की बिलिंग करनी पड़ेगी, 100 पीवी का सामान लेना पड़ेगा। अगर हम लोग 60 पीवी की कंसिस्टेंसी कर रहे हैं तो हम लोग को 60 पीवी का सामान लेना पड़ेगा। हाँ, अगर हम लोग 100 पीवी की बिलिंग करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली हम लोग को डबल पीवी मिलेगा, लाइकवाइज 60 पीवी की जो हम लोग बिलिंग करते हैं उसमें हम लोग को डबल पीवी मिलेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी आपके एक्चुअल पीवी पे ही मानी जाएगी। डबल पीवी विल बी काउंटेड इन द 1% पूल ऑल्सो, डिस्ट्रीब्यूटर्स मे चूज मे 2020 एज देयर बेस मंथ, यानी कि डबल पीवी के माध्यम से हम लोग 1% पूल के जो हमारा क्राइटेरिया है एक्सक्लूसिव पीवी को मेंटेन करने का उसको अचीव कर सकते हैं, और 20% नॉन क्वालिफायर्स विल विद डबल पीवी विल बी एडेड इन द एक्सक्लूसिव पीवी, यानी कि जो 20% नॉन क्वालिफायर्स हमारे लेग हैं उनके माध्यम से जो भी हम लोग को डबल पीवी मिलेगा वो हमारे एक्सक्लूसिव पीवी में काउंट होगा। दोस्तों ये है आज के धमाकेदार न्यूज, ये है आप लोग के लिए खुशखबरी। तो अब हमें करना क्या है, अब हमको बस बिलिंग करनी है, अपने लेवल्स को अचीव करना है, अपने पे आउट को बढ़ाना है। तो यहाँ पे रही आपकी आपकी डबल पीवी स्कीम। तो यहाँ तक हमारा से दोस्तों ये था आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम, और जैसे कि आप जानते हैं कि डेली हम लोग आपके साथ मिलते हैं 3 बार दिन में, मॉर्निंग में हम लोग मिलते हैं सीएनटी में, दिन में हम लोग मिलते हैं मीट द लीडर, और इवनिंग में मिलते हैं ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जो कि हम लोग की स्किल्स को डेवलप करने में हम लोग की मदद करता है। तो आज दोबारा हम लोग मिलेंगे 3:30 बजे हमारे मीट द लीडर ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ। वहां पे हमारे सामने आएंगे एक ऐसी लीडर, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने की आज से कुछ समय पहले ऐसी किसी सीएनटी को अटेंड किया, उसके बाद उन्होंने एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया अपनी दुकान चेंज करने का, और एक दुकान चेंज करने के बाद आज के डेट में इस बिजनेस को वो आगे बढ़ा रहे हैं, एक सक्सेसफुल लीडर बन चुके हैं, 7 प्रकार की आमदनियां इस प्लेटफॉर्म से यानी कि वेस्टिज के माध्यम से ले रहे हैं और अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो यकीन मानिए जब हम लोग उनके अनुभव सुनेंगे, उनकी जीवन यात्रा को सुनेंगे, तो उनसे हम लोग को काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और जो भी कुछ हम लोग को सीखने के लिए मिलेगा वो हमको एक जिंदगी में एक बेहतर इंसान बनाने में हमारी मदद करेगा, साथ ही साथ हमारे बिजनेस को भी नई ऊंचाई में ले जाने में हमारी हेल्प करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग दिन में 3:30 बजे हमारे मीट द लीडर ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ। मीटिंग आईडीज आप लोग के साथ हम लोग आपका व्हाट्सएप, टेलीग्राम और आपका फेसबुक के माध्यम से आप लोग को हम लोग शेयर कर देंगे। इसके साथ 3:30 बजे हम लोग मिलते हैं हमारे मीट द लीडर ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल।